नमस्कार, मेरा नाम है राजीव गोन बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, कोनिचिवा, निहाओ, कोनिचिवा इज इन जापानीज ऑफ कोर्स, निहाओ इज हेलो फॉर चाइनीज। प्रदीप जी हमारी आपको जंबो फॉर आवर व्यूअर्स इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड एवरीवेयर एल्स। यस सर, एंड एवरीवेयर एल्स वेयर एवर स्वाहिली इज स्पोकन। And isn't that wonderful? The whole world joined together by the internet and everybody can see us anywhere in the world. Yes, YouTube has made it so easy. Earlier, wo pure aapke sir satellite investment and the entire K band and the U band and what bands. Gee. You need to have a separate band for every, I think, continent. That's right. And yeah, and you need to have a separate jumping satellites. Yes. Wherein yes, your signal yes. needed to be, you know, send from one satellite to the next, to the next, to the next, so that people get the picture somewhere else. Right now, boom, all that is gone. It's only the content which is king. Content exactly. is king, that's it. Yes. Agar aapka content acha hai, log aapko dekhenge, aur nahi hai, to Jairam ji ki seedhi saadhi baat hai. So, do you think now the content of the BJP is all right? I mean, they're sticking to their game plan. मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दैट्स इट सर। द लास्ट टाइम दे डिड इट, द लास्ट टाइम दे डिड इट इन कर्नाटका, जब सिर्फ हनुमान जी के बात कर रहे थे कि अलग अलग चीज हिंदू हिंदू वर्सेस मुस्लिम बात कर रहे थे, सो दैट वाज द टाइम व्हेन रियली दे कुडंट डू इट। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि मोदी साहब, मोदी जी इस पे क्यों इतना, बिकॉज ही यूजुअली डजंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन दिस, ही इज मेकिंग इट टोटली अ हिंदू मुस्लिम, जहां हनुमान जी आए, बजरंग बली हो गए, सब कुछ हो गए और कांग्रेस जीत गई एंड दे लॉस्ट कर्नाटका, कांग्रेस जीत गई। तो निजाम साहब से पूछते हैं, निजामुद्दीन रहीम कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, तो इस बार भी क्या वही हशर होने वाला है? निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आप बड़े खुश होंगे सर, पहले दो चरण जो हैं वो तो बहुत जबरदस्त रहे, सुनने में यह आया है बीजेपी जरा प्रेशर में है, आपको भी क्या ये खबर मिली? यस बिल्कुल, पूरी लिस्ट के साथ आई सर, कहां क्या हो रहा है जी। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों फेस के चुनाव में इंडिया अलायंस को बढ़त है हर जगह जी, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है सर जी। और सबसे बड़ी बात इस बार ये रही कि ध्रुवीकरण का कोई मुद्दा बीजेपी के हाथ नहीं आया, जितनी भी जगहों पर उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया, वो सब में फ्लॉप गए, क्योंकि ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है, जनता चुनाव लड़ रही नरेंद्र मोदी के साथ। निजामुद्दीन जी, मगर प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर है, आपका खुद के पार्टी के लोग कहते हैं कि आपको आपको यू नो माइनॉरिटी के वोट चाहिए, यू वॉन्ट द वोट्स ऑफ माइनॉरिटी, बट यू डोंट वांट माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। आप माइनॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं चाहिए आपको, आप सेक्युलरिज्म के बात करते हो, आप बीजेपी पे आरोप लगाते हो, आपके साथ माइनॉरिटी वोट्स है, आपके पास मुस्लिम वोट्स आता है, सेक्युलरिज्म के झंडा लेके आप घूमते हो, बट जब टिकट देने के बाद आते हैं आप नहीं देते मुसलमान कैंडिडेट्स को। आपने नसीम खान को नहीं दिया कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट था नसीम खान, खुद नसीम जी खुद कहता कि डिजर्विंग है, और पूरे कुर्ला, बैंड्रा, कलीना इस क्षेत्र में सभी मुसलमानों का इच्छा था कि नसीम खान को कैंडिडेट दे टिकट देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो इसका दोष आप पे कि आप सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स को आप भी नहीं देते। निजामुद्दीन जी नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, राजनीति में जब भी हम अकेली पार्टी लड़ते तो हमने हमेशा दिया, कांग्रेस ने हमेशा माइनॉरिटीज के लोगों को वोट टिकट दिया है, क्योंकि जब हम अभी हम एलाई है 3-4-5 दलों के, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या होती है। और जहां तक सवाल है कि माइनॉरिटीज के लोगों को नहीं देने का, सिर्फ कांग्रेस ही है जिसने माइनॉरिटीज के लोगों को दिया, बाकी किसी में दम नहीं है कि वो माइनॉरिटीज के भरोसे खड़े हों या माइनॉरिटी के। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह से माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए वो थोड़ा बहुत 19-20 होता है,
लेकिन राजनीति में इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरी ईमानदारी के साथ माइनॉरिटीज के साथ देश में खड़ी है, और माइनॉरिटीज भी ईमानदारी के साथ जो है इस वक्त राहुल जी और कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। आज तो इसलिए छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं, तो आज अनाउंसमेंट हो रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। निजाम साहब, आज अनाउंसमेंट होने वाली है क्या कि राहुल गांधी जी अमेठी से भी लड़ रहे हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं। यस 100% वो भी और प्रियंका जी दोनों लड़ रहे हैं सर। क्या बात है सर, वंडरफुल। दोनों लड़ रहे हैं, अमेठी से भी लड़ रहे हैं और रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। क्या बात है सर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम बहुत जबरदस्त तरीके से रिटर्न हो रहे हैं, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। निजामुद्दीन जी, आपका कांग्रेस का एक्सरे मशीन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। आपका एक्सरे मशीन घर घर घूमेगा, एक्सरे मशीन घर घर तिजोरी ढूंढेगी, घर घर एक्सरे मशीन मंगल सूत्र को लेगा, स्त्रीधन को लेगा। एक्सरे मशीन बहुत चर्चा में है। मोदी साहब वो एक्सरे मशीन का इतना भोंगा बजा दिया पूरे देश में कि लोग डरने लगे मैनिफेस्टो से। निजामुद्दीन जी, ऐसा है कि मंगल सूत्र छीनने का काम मोदी जी ने किया, 25,000-30,000 रुपए तोले के सोनों को उन्होंने पहुंचा दिया, 75,000-80,000, तो अब तो लोग मंगल सूत्र भी नकली पहने के बेचारे कहां से लाएंगे, और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार उनकी पॉलिसीज हैं जो आज इस तरह की महंगाई के हालात हैं। आदमी को दो वक्त का खाना मिल जाए वो बड़ी बात है, दूसरी चीजें सोच ही नहीं सकता, तो इसके जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वो जो ध्रुवीकरण या बेईमानी का उनका काम था वो सब लोगों को समझ गया है। किसी भी चीज को धूर्त बनाने के लिए एक मौका काफी होता है, अब तीसरा मौका कोई देना नहीं चाहता उनको, को देश धूर्त बने, क्योंकि जिन जिन चीजों का उन्होंने वादा किया था सब जुमला हो गया। आज भी वो नेहरू जी और पाकिस्तान और मुसलमान के नाम से ही जी रहे हैं। अब ये तीनों पोल भी खुल गई है, लोगों को समझ आ गया है कि ये हमारे दुश्मन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, खाली इन्हीं लोगों के भरोसे वो बैठे थे कि इस बार भी हम ध्रुवीकरण कर लेंगे। लेकिन इस बार की जनता इतनी समझदार है, उसने एक एक चीज का आंकलन खुद किया है, और जो नया वोटर आया है वो चाहता है कि बदलाव हो, तो इसमें इस बार साफ हो रहे हैं वो। पहले दोनों फेज में उनके चेहरे उनकी लैंग्वेजेस से आपको पता चल गया होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इन 50-75 सालों में जितने लोग प्रधानमंत्री हुए इस तरह की भाषा का किसी ने इस्तेमाल किया? स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते रहे, नेहरू जी की तो बात ही और थी, जितनी मिठास से वो बात करते थे, इंदिरा जी इतनी कड़क लीडर थी उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भाषा का संयम नहीं खोया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये इस देश के गरिमा को शोभा देता है क्या? उन्होंने ये कहा है निजाम साहब कि आप मंगल सूत्र लोगों का, औरतों का मंगल सूत्र छीन करके घुसपैठियों में बांट देंगे, उनमें बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे, ऐसा कहा गया सर। सबसे ज्यादा बच्चे तो मोदी जी खुद ही, इनके मोदी जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कितने बच्चे उन्होंने क्यों पैदा किया। मोदी जी से 6-7-8 भाई बहन हैं मोदी जी, और सब रिकॉर्ड पर हैं, तो मोदी जी स्वयं अपने पिताजी से पूछे स्वर्ग में, क्योंकि उनको तो स्वर्ग के बारे में भी पता है ना, वो तो अंतर्यामी है, वहां भी पूछ सकते हैं कि आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किया। और इस तरह की बात करना देश में किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि औरतों का मंगल सूत्र लूट लेगी कांग्रेस, कि भाई पिछले 60 साल में तो नहीं लूटा, अभी कैसे लूटेगी सर? नहीं सर, वो उनके पास अब कोई सर, उनका जो दावा था कि हम 400 से पार कर रहे हैं वो दावा हो गया खोखला, वो पागल हो गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका को मिला के भी 400 नहीं बन रहा है, तो जब वहां से मिला के भी नहीं बन रहा है तो अब उनको इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो आपने देखा कि हमारे जो घरों में हमारी माता बहनों ने कुछ पैसे कुछ जेवर कुछ रखे थे वो किसके दौर में बिके? कोविड और नोटबंदी के दौरान ही सारे जेवर बिके सर घरों से,
तो ये इसकी जवाबदारी भी तो उन्हीं की है ना। उन्होंने जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उस महिला सशक्तिकरण को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने किया। जब घर की लक्ष्मी 50 साल से उसके अंडर में पैसा पड़ा रहता था और जब तकलीफ के वक्त में अपने परिवार के लिए यूज करती थी वो महिला, किसी भी समाज धर्म की हो, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करता, इन्होंने उनको किस तरह से बेइज्जत करके उनके पैसों को, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घरों में फूट डालकर उनको बर्बाद किया। आज उनको मंगलसूत्र याद आ रहा है, तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र क्यों नहीं याद करते? क्योंकि वो उस देश की महिला नहीं है क्या? वो जो उनकी धर्म पत्नी है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है ना कि धर्म पत्नी है मेरी। उन्होंने पिछली बार चुनाव वाले में पहले एफिडेविट में उन्होंने नहीं किया था फर्स्ट टाइम, सेकंड को उनको लगा कि हमारा पर्चा खारिज हो जाएगा, तो उन्होंने सेकंड में एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया तो आपने उनके मंगलसूत्र के कितनी रक्षा की? लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ेगा ना सर? आज मीडिया निजाम साहब, जैसे प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, कि इन्होंने यही चीज कर्नाटक में कोशिश करी थी बहुत, कर्नाटक चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, हनुमान चालीसा को लेकर के, बजरंग बली को लेकर के, और कांग्रेस तो वहां की जनता ने जवाब दिया ना सर। जी जी, तो इस बार क्या कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा इसका सर? देखिए, वो जितनी भी चीजें हैं सर, जिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया जी, महिलाओं के विषय में उन्होंने सुरक्षा की बात की, तो क्या मणिपुर की बहने महिलाएं नहीं थी इस देश की? अगर प्रधानमंत्री को शर्म हो तो ऐसे विषय उठाने नहीं चाहिए। अगर इस देश में कोई रहता है तो वो इस देश का नागरिक, चाहे वो मणिपुर में रहे, चाहे गुजरात में, चाहे कर्नाटक में, चाहे राजस्थान में, दोनों का खून अलग है। एक गुजरातियों का खून है, एक दूसरा खून है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके या इस तरह की चीजों को लाकर धोखा देने वाली बात है सर। इसलिए कर्नाटक के लोगों ने इनको नकारा, उन्होंने बजरंग बली को नहीं नकारा। बजरंग बली में आज भी उनको उतनी ही आस्था है, लेकिन के नाम पर वो गए थे, बजरंग बली ने अपने गदा का प्रयोग इनके लिए कर दिया, वो गदा उल्टा हो गया, इसलिए इनको ये तकलीफ आ गई। अब वही हाल भगवान श्री राम का हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को ये कह रहे हैं कि मैं लेकर आया, और बीजेपी की आईटी मीडिया का जो इनका डिपार्टमेंट है और इनके जो अंधभक्त है, वो कहते हैं कि मोदी जी भगवान राम को लाए। अब इससे बड़ी घटिया बात क्या होगी कि भगवान राम सृष्टि के रचयिता है, पूरी दुनिया को लेकर आए, तो अब इनको तो भगवान में भी विश्वास नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मुद्दा भी वहां के सारे यूपी वालों ने इसको नकार दिया। दो ट्रंप के चुनाव में भी दो पार्ट जो हुए हैं उसमें राम मुद्दा कहीं आया नहीं। उन्होंने कहा ये आस्था का प्रश्न है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अयोध्या शायद जाने का चर्चा है कि राम जन्मभूमि जाएंगे उत्तर अयोध्या। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, और प्रियंका ने तो अभी घर बना लिया अपना, जो वही लखनऊ में, अब तो परमानेंट हो गई वो, उत्तर प्रदेश की नागरिक है वो। अगर वो अयोध्या राम लला का दर्शन करें, जिसमें बुराई क्या है? क्योंकि वो तो कट्टर हिंदू है बिल्कुल, वो शिव की उपासक है, वो राम की उपासक है, वो जो है राजनीति में सब लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत धर्म तो उनका हिंदू ही है ना, तो वो जाएंगे तो कौन रोक लेगा? तो इसलिए उनका जाना भी जाएंगे। अब उनके देखिए ऐसा है कि अब ये मुद्दा नहीं रहा प्रदीप जी, अब मुद्दा ये रहा, जनता तलाश रही है कि जो आपने विकास किया था, वो 15 लाख दे रहे थे, टीचिंग का जॉब दे रहे थे, लोगों को नौकरियां, अब तो लोग मुद्दा तलाश कर दे रहे हैं मोदी जी को कि अग्निवीर में बाप जो है नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो क्या जाएगा। अब बाप बेटा सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से। आपको राजस्थान के राजपूतों ने पूरा खुलकर कह दिया कि ऐसी योजनाओं को लाने से क्या होगा जिसमें बाप बेटे तबाह हो जाए। तो ये चीजें तो मोदी जी को सोचना चाहिए। ये तो तुगलक है, तुगलक, कभी दिल्ली राजधानी, कभी दौलताबाद, इनको सिर्फ दिख निजामुद्दीन जी केरल में जबरदस्त इंपैक्ट था राहुल गांधी जी, ने जबरदस्त इंपैक्ट किया था केरल में, गए बार वहां राहुल गांधी जी लड़ने से आपने पूरा केरल स्वीप किया था, कांग्रेस ने पूरा केरल स्वीप किया, 20 में से 19 आप और आपके अलायंस 15 सीट आपको मिला था। मगर चुनाव से पहले ऐसे एक चर्चा शुरू करने से पूरे बार है 20 के 20,
यस yes, yes. नहीं नहीं यही बात भी आ रहा हूँ। आप किसी ने यह चर्चा किया कि राहुल गांधी अमेठी जाने वाला है, तो क्या यह बात जो चली चुनाव से पहले क्या आपको इफेक्ट करेगी? जो 19 सीट्स लाए उसे कम होगा कि आप जो 20 के 20 लाने के बाद? देखिए, किसी भी राजनेता को इस बात का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव देश में कहीं भी लड़ सकता है। अब उनकी परंपरागत सीट पर पिछले चुनाव में तरह की धांधली वहां कराई गई सरकारों के माध्यम से उनको जबरन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ते हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश हमारी बपौती है। इस बार उत्तर प्रदेश के 80 में से 40 सीटें हार रहे हैं इस बार मोदी जी। इस बार जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो 40 के आसपास लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है सर। कल के जो दो पार्ट के चुनाव हुए हैं, कल और पहले टर्म में, उसमें मोदी जी पूरे तौर से फ्लॉप गए हैं और योगी जी से पसीना पोंछने का दूसरा रास्ता नहीं गुजरा है। अब वो लोग नीचे नहीं आए, सुनने में यही आया है। और दूसरी चीज क्या हुई है, इसी के ऊपर मैं आ रहा था आपके पास, वो पुरुषोत्तम रूपाला साहब की जो स्टेटमेंट है, लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ठाकुर राजपूत समाज क्या डिमांड कर रहा था? सिर्फ एक ही चीज डिमांड कर रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इतना वाहियात वक्तव्य दिया राजपूतों और ठाकुरों पे, तो उसको राजकोट से टिकट ना दी जाए। अब ये जिद पे अड़ गए, उनका साहब नहीं देनी हमें, हम तो इन्हीं को देंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ है, सुनने में यह आया कि या तो ठाकुर राजपूत समाज वोट करने को नहीं आया है, और जो वोट करने को आए हैं उन्होंने शायद बीजेपी को वोट नहीं दिया है इस बार। यस, और उन्होंने तो महापंचायत सर, महापंचायत बुलाई राजपूतों की, महापंचायत में ये तय किया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। अग्नि के ऊपर कसम खाई है जी, बिल्कुल यस। तो उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको इस बात का विश्वास हो गया है कि ये राजपूतों के भी हितैषी नहीं है। पहले ये होता था कि सवर्ण कास्ट के लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है, अब तो बीजेपी जो है सिर्फ दलालों के साथ खड़ी है। अब वो एक चीज है, राम साहब देश के साथ नहीं खड़ी है, जो पहले दो फेज के इलेक्शन हुए ना, दलालों के साथ खड़ी है, जो पैसा ला के दे या गुंडागर्दी से पैसा वसूल सके या दलाली का काम कर सके, दलाली करने वालों के साथ आज बीजेपी खड़ी है, देश के साथ नहीं। लेकिन एक चीज हुई है उत्तर प्रदेश में, हालत आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक चीज हुई है निजाम साहब देख रहे हैं आप, मार्केट में हमारी बहनों की सुरक्षा की हालत देख रहे हैं, मणिपुर की हालत देख रहे हैं, जितनी जगहों पर आप जाएंगे हर जगह आज बीजेपी फ्लॉप होती दिख रही है। और ये भी सुनने में आया है, मुझे मालूम नहीं कितना सच है इसमें, क्योंकि हमें तो सेकंड हैंड वर्सन ही मिलती है ना, जो आप अपना रिपोर्टर है यूपी में या कोई है वही बोलता है ना। सुनने में ये आया है कि वापस ब्राह्मण समाज जो है वापस आ गए कांग्रेस की तरफ, ब्राह्मण भी वापस आ गए कांग्रेस की तरफ, मुसलमान तो आ ही गए, अब ठाकुर राजपूत ब्राह्मण और निषाद भी, तो मतलब पुराना कॉम्बिनेशन वापस आ गया लग रहा जी। निजाम साहब ये चमत्कार कैसे हो गया? देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, देश में हर चीज हर आदमी क्या हो सकता है, खाना सबको चाहिए सर, सुरक्षा सबको चाहिए, खेती में पैदा होने वाले अनाज का सही तरीके से इस्तेमाल हो, किसान खुशहाल हो, छोटा व्यापारी खुशहाल हो, तो सब एक साथ में रहने वाले हैं। इन्होंने सबको बांटने का काम किया, अपर को भी लोअर को भी, गरीब को भी अमीर को भी, सबको बांटने का काम किया, लूटने और कर्ज माफ करने का दो काम इन्होंने उन दो बंधुओं के लिए किया, बाकी देश के लोगों को बर्बादी के लिए छोड़ दिया। तो लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस के शासन में हमको क्या नुकसान था, हमने क्यों कांग्रेस को हटाया। अब वो अपने पश्चाताप के लिए सारे लोग एक साथ आ रहे हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था भी ये तोड़ रहे थे। सामाजिक व्यवस्था इन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ा, सनातन का जितना अपमान मोदी और मोदी मंडली ने किया, इतना अपमान कभी सनातन धर्म का किसी ने नहीं किया भारत के इतिहास में। आप पढ़ के देख लें, आज जिस तरह से मंदिर के इशूज पर हमारे जगत शंकराचार्यों की बात सुनी नहीं गई और दूसरी बहुत सारी बातें आई, तो इस निजामुद्दीन जी, मगर ये जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में राष्ट्रवाद राष्ट्र सुरक्षा, मोदी जी का कहना है, अमित शाह का कहना है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र सुरक्षा, जयशंकर जी हाल ही में कहा कि टेररिज्म का रिटेलिएशन कांग्रेस नहीं कर पाया,
2611 में कांग्रेस ने देश को देश का जो उपेक्षा था उसे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करते हुए वो कब मोदी जी ने चेंज कर दिया है। मोदी जी ने घर में घुस के मारने के जो स्टाइल नया स्टाइल लेके आया है, तो वहां आप लोगों को कैसे कन्विंस करोगे निजामुद्दीन जी, कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि कांग्रेस राष्ट्र सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? देखिए राष्ट्र सुरक्षा में कांग्रेस ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप जो है अटल जी के दौर से लेके इनके दौर की जितनी घटनाएं हैं उस पर सर्च कर लीजिए। हाफिज सईद को छोड़ने कौन गया था? कांग्रेस वाला गया था। हाफिज सईद जब वो आया था आतंकवाद का इशू लेकर, जब यहाँ वो जेल में बंद था, उसको छोड़ने कौन गया था? कांग्रेस वाले गए थे कि नेहरू जी स्वयं आए थे उनको ले जाकर छोड़ने? हवाई जहाज में पैसा सोना भरकर और आतंकवादी को ले जाकर पाकिस्तान की धरती पे देने का काम किसने किया? तो सुरक्षा की जो जवाबदारी थी उसको उन्होंने निभा किया क्या? अपनी गलतियों के को दूसरे के सर थोप नहीं सकते। अब वो दौर नहीं है। इनकी बेईमान मीडिया 2611 का चर्चा करते हैं जयशंकर जी, 2611 कितना दिन बचाएगी सर? सत्यता सामने दिख रहा है, सोशल मीडिया पर सारी उनकी कहानी को उलट कर दो मिनट में रख देते हैं। आपने पहला सवाल अभी किया था ना वो बच्चों वाला, कि वो सारे घुसपैठिए हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। इनके सारे नेताओं का भविष्य देख लीजिए ना सर, कि कितने लोग इनके घर में पैदा हुए। लेकिन सर ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? नहीं, मेरा कुछ और है सर। सर आप भी कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में हैं। मेरा ये कहना है तो सब हिंदुस्तानी यहाँ पे इंडियन है ना सब लोग। Yes. तो ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? मतलब ये इसलिए पड़ रही है कि नफरत है। सर वो चाहते हैं कि नफरत पैदा हो और ध्रुवीकरण हो जाए दोनों समाज के बीच। तो जैसे पहले ध्रुवीकरण से इन्होंने धोखा देकर देश को गुमराह करके वोट लिया और सरकार बनाई, वो चाह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के सामने रख सके। अगर देश के सामने काम रख सकते तो वे इस तरह की बातें क्यों करते? आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में, दूसरे जैसे शहरों में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे सर। कश्मीर में कैंडिडेट नहीं मिला, मुंबई में अभी तक इनकी 2 सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए। तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के यहां वो गए थे, वो गोविंदा के यहां से पहले गए, उनको दूसरी पार्टी में शामिल कराया। माधुरी जी के यहां गए थे कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्वयं जो है अमित शाह जी गए थे, उसने मना कर दिया। तो आज तो ये हालत है कि टोटे पड़ रहे हैं सर। और ये तो कांग्रेस की बदौलत, जो कांग्रेस से भागे हुए लोग हैं वो उनके यहां कैंडिडेट हो गए, नहीं तो उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था देश में। मनमोहन सिंह का जो बयान है बार बार बीजेपी हाईलाइट कर रहे हैं, मोदी जी हाईलाइट कर रहे हैं कि इस नेचुरल रिसोर्सेज का पहले हकदार मुसलमान है। और बीजेपी ने वही कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी मुसलमान को देंगे, रिसोर्सेज भी मुसलमान को देंगे, मगर घूम फिर के मुंबई में एक टिकट भी आप नसीम खान को नहीं दिए। बहुत चिंता का विषय है। ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर जो है प्रधानमंत्री का पुराना भाषण जिसमें उन्होंने कहा है, अगर उसकी पूरी क्लिप सामने दिखा दीजिए तो सब अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मनमोहन सिंह जी ने किस तरह की बातें नहीं की हैं। और उन्होंने कलेक्टिवली सारे लोगों को मिलाकर बातें की थी, हमने वो वीडियो सुने हैं, उनके भाषण सुने हैं, वो सब इस देश में रिकॉर्ड में है। मोदी जी से बड़ा झूठा न इस सदी में पैदा हुआ ना अगले सदी में कोई पैदा होगा। ये तो मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले तो दर्जनों संतों के वीडियो हमने देखे हैं। निजाम साहब आपके मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या 370 प्लस सीटें मिल रही हैं? वो कह रहे हैं ना कि बीजेपी को अपने बलबूते पे 370 और एनडीए को 400 पार। ऐसा है सर, अगर ये 200 सीट पा जाए पूरा एनडीए मिलके 200 सीट, तो बहुत बड़ी बात होगी कि लोकतंत्र में बदलाव नहीं हुआ। ये 200 भी नहीं पहुंच रहे हैं सर। अभी जो दो फेज के इलेक्शन हुए, एक फेज में तो पूरी ताकत बीजेपी की थी ना। इस पहले फेज में जो चुनाव हुआ है, जहां विदर्भ में, महाराष्ट्र में जितनी सीटें, सब पर इनका कब्जा था ना। अब की बार ये जीरो हो रहे हैं सब जगह सर। ये खुद कह रहे हैं कि हम हर जगह हमारी सीटें कम हो रही हैं, हमारे वोट के परसेंटेज कम हो रहे हैं। तो ये 400-500 का आंकड़ा तो बेवकूफ बनाने वाला है ना सर। तो अगर मंगलसूत्र काम नहीं कर रहा है, तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि अब मोदी जी जो हैं वो स्टेज पे खड़े होके रोएंगे भी, और अब वो पाकिस्तान भी जाएंगे और चाइना भी जाएंगे, ऐसा कहा है।
राहुल गांधी जी ने कहा। सर बहुरूपिया जो है वह कोई भी रूप धर सकता है, बहुरूपिया कोई भी रूप धर सकता है, रोने की कला में वो माहिर है, वो तो कितनी बार रोए, लेकिन अब वो रोने का असर भी खत्म हो गया ना सर, अब रुदाली के लिए इनको आने की जरूरत नहीं, रुदाली वाले भी अब पैसा लेकर रो देते हैं। हाथ बदले का हालात होगा, रुदाली का की कहानी तो रुदाली की कहानी दोहराई जा सकती है। हाथ बदले का हालात, योजनाएं जबरदस्त है, मैनिफेस्टो जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त है आपका, महिलाओं का एम्पावरमेंट जबरदस्त है, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 10 साल के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, हम तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे, सोशल जस्टिस की बात है 50%, तो बट मोदी जी का कहना ये सब बातें है, तिजोरी में इतना पैसा कहां है कि ये सब फुलफिल करें। ऐसा है कि अगर अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि तिजोरी में पैसा नहीं तो गया कहां, जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी तो हमारे ऊपर इतना कर्जा नहीं था, ये तो हमारे यहाँ गांव में कहावत है ना कि कर्जा लेके जो है घी पीने का काम करने का, इन्होंने कर्जा देश को लाद कर तबाही पे कर दिया और सारी तिजोरी खाली कर दी, और अब उनको एहसास है कि पैसा कहां से आएगा। राहुल गांधी बिजनेरी मैन है, उन्होंने 2024 से लेकर 2050 तक का प्लान सब रेडी रखा है, इस देश में पैसा भी आएगा, इंप्लॉयमेंट भी आएगा और इस देश में सुरक्षा भी आएगी। आज तक राहुल गांधी ने किसी चीज पर झूठ नहीं बोला है, जो उन्होंने कहा है वो हुआ है, उनका कमिटमेंट जो उनका मैनिफेस्टो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया, उस मैनिफेस्टो के लिए इस देश चलते में चलते 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों के बीच जाके संपर्क करके जो मटेरियल्स आए हैं उनमें से बना है मैनिफेस्टो, यानी जनता का की जो भावना है, जनता ने जो राहुल गांधी से कहा है उसी चीज को उन्होंने कन्वर्ट करके और उन्होंने बना दिया है, उन्होंने अपना कोई निजाम साहब चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ज्यादातर ये बोलते हैं कि इस चुनाव के बाद राहुल गांधी हिंदुस्तान से भाग जाएंगे, यहां पर नहीं दिखेंगे। सर जब जैसे ये बात मैं काफी सालों से सुन रहा हूं, पहले सोनिया जी के लिए कहा जाता था, अब राहुल जी के लिए कहा जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताएं। सर वो एक ऐसा परिवार है जिसके घर में सिर्फ कुर्बानी देने का जो है एक रिवाज है, एक परंपरा है कि वो देश के लिए वो परिवार कुर्बान होता आ रहा है, और वो जेलों में रहा है उनके बाप दादा से, जब इनके बाप दादा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो उनके बाप दादा जेलों में रहकर भारत की व्यवस्था देख रहे थे और भारत के लिए लड़ रहे थे, और आखिरी तक जब तक इस ये धरती पे सूरज चांद है उस खानदान पर की एक परंपरा है कि देश के लिए कुर्बान होते रहेंगे, इनके पास झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। ये नेहरू गांधी को गाली देकर बड़े नहीं हो सकते, उनके आदर्शों पे चल के ये बड़े हो सकते थे, लेकिन इन्होंने गांधी की परंपरा को नहीं माना, इन्होंने नेहरू की किसी चीज को नहीं माना, उनको बदनाम करने से बेहतर है कि खुद कुछ अच्छा कर जाते तो शायद लोग इनको याद रखते, ये तो इतिहास के पन्ने में किधर दिखेंगे भी नहीं, नेहरू गांधी ने तो सैकड़ों किताबें लिखी हैं। जी दुरुस्त बात, तो आपके मुताबिक कल हमने बीजेपी 150 जयप्रकाश जी का एक इंटरव्यू पुराना हम देख रहे थे कहीं, जयप्रकाश जी जब बहुत तकलीफ में इंदिरा जी थी, चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो गए थे इंदिरा जी को मिलने, उनको देखकर वो रोने लगे, कहने लगे कि आप ऐसे भी कैसे एडजस्ट कर सकती हैं और आपको पैसे कहां से आते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बाप ने इतनी किताबें लिखी हैं कि उसकी रॉयल्टी से मेरा परिवार चलता है, जबकि उन्होंने वो सारी चीजें इस देश को दान किया। आप इलाहाबाद आप गए हैं, आपने देखा है इंदिरा भवन, आपने देखा आनंद भवन, आनंद भवन आपने सारे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी परिवार ने देश को दिया है, इनकी तरह लेके भागा नहीं है कोई दो राय नहीं, और ये कब भाग जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, ये भगोड़ों के ही सरदार हैं, जितने अब तक भागे हैं इनके कुनबे से गए, तो ये गांधी नेहरू की परंपरा नहीं है, ना राजीव जी कभी इस देश से बाहर जाने की बात किए, जब सोनिया जी आई थी जब भाषा नहीं समझती थी, जब संस्कार नहीं समझती थी, तब अगर कोई बात होती कि वो चली जाएंगी, अपने पति के मरने के बाद भी सोनिया जी इस देश में रही और एक आदर्श नारी की तरह रही, उन पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका, तो यह संस्कार है नेहरू गांधी परिवार का। तो चलते चलते इस बार
कांग्रेस 200 बार। सर हम सरकार बनाने जा रहे हैं इंडिया एलआई को लेकर। चलिए अब कितना हमको जरूरत है, हमारी सरकार बनती है ये देख लीजिएगा। आपको बहुत तीसरे चरण के चुनाव में आधे बीजेपी वाले पागल होके बाल नोचते हुए नजर आएंगे और उसकी फोटो आप जरूर दिखाना अपने चैनल पे। बस तीसरा अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, तीसरा वाला अभी पोल चलेगा तो आप देखना बाल नोचते हुए नजर आएंगे। ये हालत हो गई है सर, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। आप उनकी सभाओं को कवर करके मंगाइए, अगर 10,000 कुर्सी डाली है तो 2,000 लोग बैठे हैं, 8,000 कुर्सी पीछे खाली है और उनका गोदी मीडिया कह रहा है बड़ी भव्य सभा हो रही है। हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है, 5,000 बुलाते हैं तो 15,000 लोग रोड पे खड़े हैं। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। थैंक यू सर, ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, रियली वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सो द फर्स्ट टू फेजेस हैव रियली एंथूज्ड the Congress and the India Alliance. They've said that they're winning. Sir, but one most essential thing that we're talking about, sir, Muslim candidate एक भी शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। नहीं, एक अपेक्षित था कि नसीम खान को यहाँ से, बिकॉज शी वॉज नॉट फाइटिंग प्रिया दत्त, यहाँ एक चांस था कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे, वहां पर नहीं दिया। नसीम खान हैज बीन ऑफेंडेड, ही हैज रिटन लेटर्स and all his jitne bhi muslim you can say workers of the congress, they are finding it difficult to answer the people, and they'll find it difficult to convince some, the people that somewhat, secular values ke baat karte hain, somewhat difficult to vote for Varshatai Gaikwad, but let's see what happens. At the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, a very old friend, the one man who's dedicated his entire life to the upliftment of farmers, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari ji, namaskar. Namaskar, Raju ji, namaskar. Namaskar. How are you, sir? How are you? Arey Pradeep ji, namaskar. Namaskar, namaskar. Sir, aaj Pradeep ji ki wedding anniversary. Aapse hamesha gyan milta hai. Jab bhi aapse baat karte hain, we note down all things. Ki baba, aapne ye bhi bola, wo bhi bola. Sir, very enlightening. Sir, aaj Pradeep ji ki wedding anniversary bhi hai. You can wish it. Thank you. अरे कितने साल निभा लिया तुम्हारे वाइफ ने तुमको? 27 सर, 27. अरे यंग है ये तो बहुत. या शादी सेकंड शादी है लेट. हाँ ये भी हो सकता है सर, इसके बारे में ये तफ्तीश का विषय है. तो किशोर तिवारी साहब, अरे राजू जी, सर राजू, हेयर स्टाइल से मुझे देवानंद की याद आई. क्या बात है, वाह. देव साहब वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. जी देव साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. लेकिन सर आपसे पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टू फेजेस में तो इंडिया अलायंस बहुत एंथुजियास्टिक है सर, के मतलब अब तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई. और दूसरी चीज जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी को क्या हो गया सर, ये वापस ये मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान और ये सब, मतलब ये करने की जरूरत क्या पड़ गई, नहीं समझ के बारे. भाई आर्टिकल 370 आपने रिपील किया है, राम मंदिर बनाया है, ना जाने और क्या क्या किया है, उस पर बात करिए ना. मतलब ये क्या मतलब हुआ ये सर जरा बताएं प्लीज. नहीं मैं प्रचार से कल ही आया 26 तारीख को, और कल मैं परभनी जाने वाला हूँ. जी आपके टीम ने मुझे बहुत बार फोन किया लेकिन मैं प्रचार में बिजी था. तो चुनाव जनता ने ले लिया. क्या हुआ, मोदी जी कि कौन सी टीम थी मुझे ये मालूम नहीं, कि जो कहते थे कि मैं किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, या हर घर में हम नल से पानी देंगे, या 2022 में पक्का मकान देंगे. और मोदी जी से वो 2 करोड़ के जॉब की बात थी. अब 2 करोड़ कितने होते ये भी उनको मालूम नहीं था. अब कैसा होता है ये सब चीजों से, मोदी जी को 10 साल देने के बाद अब मोदी जी कहते कि 2047 तक दो. तो लोगों ने बोला 2047 तो बहुत ज्यादा होते ना, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, कैसा होगा, अब हम ही लोग नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं रहेंगे. तो लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे. तो 10 साल के बाद एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हो रही है. मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2004 से 14 तक लोगों ने 2009 में कांग्रेस को भी बर्दाश्त किया था, क्योंकि
कांग्रेस ने बोला था हम करेंगे, फिर कांग्रेस ने राइट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये सब कुछ लाया था जी। लेकिन लेट हो गया, राइट टू वर्क भी लाया था जी। तो मोदी जी का कोर फोकस निकल गया। और मैंने तो आपको कहा कि राहुल जी पूरे भारत में घूमने के बाद उनका एक फोकस आया है, और अब मैं बहुत जनता में घूमता हूं तो मुझे मालूम है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए, अब इंडिया अलायंस को देना है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे ये क्वांटम कम्युनिकेशन रहता है, ये यूनिवर्सल कम्युनिकेशन रहता है। जो मेरे किसान यहाँ बात कर रहा था वही किसान अभी दिल्ली में अपना यूपी में बात कर रहा है, वही किसान बिहार में बात कर रहा है, वही किसान गुजरात में बात कर रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बात कर रहा है। तो पिछले एक महीने में मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है उससे तो नागपुर के सिटी के अंदर नितिन गडकरी चिंता में आ गए ना। अभी मैं बता रहा हूँ, विदर्भ प्रांत एक वक्त इंदिरा का या कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब मोदी जी ने वो गढ़ फिर से पैदा कर दिया। बहुत ऐसी प्रताड़ना हो गई कि नितिन गडकरी को भी मेरे को लगता पराजय के करार पे बैठ गए वो आके, और सुधीर मुनगंटीवार चुनाव हार रहे, अकोला की सीट हारे नहीं थे 5 बार से वो हार रहे, अब कैसा करूं मैं। अमरावती की सीट में वो नवनीत राणा अपने 25,000 बचा पाएगी कि नहीं, यवतमाल में 25,000, हिंगोली में 25,000, इनका अनामत रकम वापस आने की कंडीशन नहीं। अपोजिशन ने अपने बुद्ध भी नहीं लगाए थे, लोगों ने वोट डाले थे। तो लोगों की अपेक्षाओं पे मोदी जी खरे नहीं उतरे। अब 370 बोलो या कॉमन सिविल कोड बोलो या यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलो या राम मंदिर बोलो जी, ये सब मुद्दे चल क्यों नहीं रहे मुझे मालूम नहीं, चल क्यों नहीं रहे। और मोदी जी के भाषण कौन लिखता मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मोदी जी के पास कोई थिंक टैंक आदमी नहीं है। अब दो लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों ही उनके प्रचारक है, और ये प्रचारक जब चल नहीं रहे तो उनके पास दूसरे लाइन में कोई है नहीं ना। बड़ा यानी ऐसी दुविधा ला दी मोदी ने, और मोदी सुबह उठकर नया नया विषय बोलते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोदी जी का जो भाषण जा रहा है पब्लिक में वो बड़े बड़े सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि तिवारी साहब, वन थिंग आई वांट टू आस्क हिम अबाउट शरद पवार जी के मैनिफेस्टो, और एक एक मैनिफेस्टो जो आ रहा है वो सीए को चेंजेस लेके आएंगे, एनआरसी में चेंजेस लेके आएंगे, यूएपीए में चेंजेस लेके आएंगे, आर्टिकल 370 में कुछ फेरबदल करेंगे, कुछ लोग आपके घटक दल कहते हैं कि वी विल सी इम्पोज आर्टिकल 370 अगेन, स्टेटहुड टू कश्मीर। तो ये जो नेशनल इश्यूज है तिवारी साहब, यू नो नेशनल इश्यूज, यू सीम टू बी गोइंग आउट ऑफ गियर, में स्टेट इंटरेस्ट और राष्ट्रवाद, मोदी जी का बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद से थोड़ा दूर भटक रहा है इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टोज। How are you going to convince that? अभी बजाज साहब वही बोल रहे थे कि इधर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में आपका दोस्त है उज्जवल निकम जी को टिकट मिला है, उज्जवल निकम पूनम महाजन, बीजेपी से पूनम महाजन जी के टिकट उज्जवल निकम जी को अनाउंस कर दिया है इन मुंबई से, जस्ट नाउ सर। यस यस तिवारी साहब, देखिए पूरे भारत के अंदर 400 पार होने वाली पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे, ये कितनी वल्नरेबिलिटी है। मैं प्रदीप तुम्हारा आंसर दूंगा, तुमने बोला कोर इश्यूज पर कांग्रेस ने अपना जवाब दे दिया है, और मुझे लगता है ये कोर इश्यूज ये है जिसको उन्होंने 5 गारंटी दी है। एक गारंटी है यह मैं आपको बता रहा हूं कि किसान को न्याय देने वाली बात, युवा को न्याय देने वाली, नारी को न्याय देने वाली, और जल जंगल जमीन के अधिकार को, नरेगा को, मुफ्त इलाज को, किसानों के कर्जा माफ करने को, और 1-1 लाख रुपए युवा को देने की, महिला को देने की। अब ये जो चीजें है ये हार्ड हिट हो गई है, अब कोई मैनिफेस्टो देखता नहीं है। और ये जो मैनिफेस्टो बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इतना प्रचार किया कि 1 करोड़ 10 लाख तो वो डाउनलोड हो गए। तो हम किन
हम अपना प्रचार का फोकस कहाँ रखते हैं? देखिए कांग्रेस में अभी तो मैं ये मैनिफेस्टो की 5 गारंटीज बनाने में उनके साथ था, लेकिन हमने सबको बोला है कि मोदी जी कुछ भी बोले उस पर लोगों का लक्ष्य केंद्रित नहीं करना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बूढ़े हो गए, जैसे चिदंबरम, इन्होंने वो CAA में चेंज करेंगे या 370, ये सब चीज़ें कैसी है, ये चीज़ें लार्जर इंटरेस्ट में कुछ काम नहीं आती। अब आप कहते हैं कि 370 की बात करते हैं, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहाँ जमीन ले सकते, कहाँ संपत्ति बना सकते? देखिए स्केड्यूल एरियाज के लिए नियम अलग है, वो अलग है। अब ये जो है, जो जिस पर लोगों का फोकस नहीं, उस पर कोई मैनिफेस्टो फोकस ला लेते हैं तो लोग इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को सब्स्टिट्यूट में लोगों ने लिया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जिस पे कॉन्ट्रोवर्सीज डेवलप हो। मैं अभी बता रहा हूँ, तो जो लोग ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, तो अभी तमिलनाडु का तो इलेक्शन हो गया, राजस्थान का हो गया, अब महाराष्ट्र में तो उन्होंने जैसे उद्धव ठाकरे को ऑल इंडिया में कैंपेन नहीं करना कर 6-6 तक रखा, दीदी को रोक के रखा, अखिलेश को रोक के रखा। तो इसके बावजूद भी देखो, हेमंत सोरेन है या अरविंद केजरीवाल है, इनका जेल में रहना, ये सब चीजें बड़ी बड़ी लंबे इसमें तकलीफ की होती है। क्या है कि लोगों को सहानुभूति रहती है, लोगों को सहानुभूति रहती है। मोदी जी के वजह से किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या छूटी नहीं। और कितना भी आप पोलराइज करने को चाहो तो आप पोलराइज हो नहीं रहा। मैं प्रदीप की वो बात सुन रहा था कि मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं डाले जी। अरे मैं बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो दलित, आदिवासी और मुसलमान, उनका एक भी वोट और किधर नहीं जाएगा। वो आदमी ने प्रूव कर दिया अपना क्रेडिबिलिटी। मैं बता रहा हूँ, वो वोट अभी आएगा महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे के वजह से आ रहा है। कांग्रेस कोई भी बड़े क्लेम करे, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का पूरा इक्वेशन बिगाड़ दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, 31 तो एग्रेरियन क्राइसिस हिट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 31 की 31 हार रहे इंडिया अलायंस, बुरी तरह हार रहे। और अर्बन के अंदर पुणा, बंबई और कोकन, इसमें उद्धव जी को जो रिस्पांस मिल रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 2004 या 99 रिपीट होने को जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मेरे मित्र थे प्रमोद महाजन जी, वो भी गफलत में रह गए थे इंडिया शाइनिंग की, वैसे ही मोदी जी कर गए। क्या हुआ मालूम नहीं, गुजरात के अंदर भी 6 सीटें बची, छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी जा रही, राजस्थान में मैं जाके आया हूँ तो बहुत सीटें फंसी हुई है। इतना क्या मध्य प्रदेश के अंदर काटों की टक्कर में आ गए। कांग्रेस को मालूम नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, कांग्रेस ने उम्मीदवार डालने में भी थोड़ी गलती की थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मोदी जी को 180 सीटें अगर मिलती है तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय। लेकिन मैं राहुल जी आपको बताता हूँ कि 220 से 224 सीटें मिलती है तो हम लोग नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, और मोदी जी 250 के ऊपर आते हैं तो फिर वो ही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। और राजनीति आपको लगता, मुझे नहीं लगता, नहीं अभी देखो अभी तो हार्डली 200 सीटों का चुनाव हुआ है, हार्डली 200 सीटों पे चुनाव हुआ है। अभी थर्ड अभी कैसा है, बीजेपी बहुत सीरियसली सोच रही है कि क्या किया जाए कि लोगों का रुख बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता नहीं, थर्ड राउंड के बाद तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर की। अब देखो सूरत के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का उम्मीदवार चुरा लेना जी, बचे हुए निर्दलियों को विड्रॉ कर लेना, मैसेज तो गलत गया ना, मैसेज तो गलत चला गया।
और इस प्रकार का काम करने किसने बोला। कभी कभी क्या होता है कि सत्ता अगर आपने केंद्रित कर दी तो ये सब चीजें आपको दुखदायी हो जाए। नितिन गडकरी या कोई भी चिंटे सिलेंडर कौन हुआ है उनको, उनको एक सिलेंडर हुआ वो राजनाथ सिंह है और एक नड्डा जी है, और तो कोई नहीं है। नितिन गडकरी को तो तालुका लेवल पर कैंपेनिंग के लिए भेज रहे, बेचारे वो वहां की धूप में चक्कर आके भी गिर जा रहे। अब क्या बताए, अब महाराष्ट्र में जितना डैमेज देवेंद्र फडणवीस ने किया उतना डैमेज तो मोदी के निष्क्रियता ने भी नहीं किया। तिवारी साहब, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसका मोदी साहब ने एक्सरे लेके, कांग्रेस का एक्सरे मशीन आपके घर घर में घुसेगा और आपके तिजोरी का छानबीन करेंगे, मंगलसूत्र और स्त्रीधन भी उठा के ले जाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूट कहां पर करेंगे उनके पास जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। तो ये सब जो चल रहा है, जो आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्ली एक अच्छा लेवल में कहा कि हम वेल्थ इक्वालिटी लेके आएंगे, बट ये कुछ दूसरा ही जगह जा रहा है कि महिलाओं का स्त्रीधन और मंगलसूत्र भी आप छीनने वाले हैं। तिवारी साहब, प्रदीप इतने मूर्ख लोग नहीं हैं। और जब देश की सारी संपत्ति और रिसोर्सेस केवल 6% लोगों के पास है तो वो 94% लोग क्या ऐसे ही रहेंगे? ये बातें बड़ी सीरियस है। सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया 10 साल में, और किसानों के कर्जे कब माफ होंगे? और एक बार मालूम तो पड़े अडानी अंबानी को कितना फेवर किया गया है। ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए। कहाँ तो अडानी अंबानी की वेल्थ की बात कर रहे, कहाँ ये आ गए बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा। अरे जो अपनी पिताजी की 6ठी संतान हो, जिसने अपनी पत्नी की मंगलसूत्र सेफ नहीं रखा हो, और जिसने दूसरों के मंगलसूत्र छीन लिए है, जैसे स्मृति ईरानी लो या कंगना रनावत लो, ऐसे लोग जिनके उम्मीदवार हेमा मालिनी हो, जिसने दूसरों का मंगलसूत्र चुराया हो, वो लोगों की पार्टी को ये क्या बातें करना है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? देखिए ना, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, इंदिरा जी को पॉपुलर किस लिए हुई थी? री एलोकेशन ऑफ द लैंड एंड द फंड पर ही हुई। इंदिरा गांधी ने तो नेशनलाइजेशन कर दिया था बैंक का, नहीं तो बनिया के पास बैंक थी, फिर से बनिया के बैंक आ गए, फिर से HDFC बैंक सबसे लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इतनी प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, सबका शोषण कर रहे हैं, सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। मुझे हम लोग तो आ रहे हैं ना, हम सत्ता में आ रहे हैं, इसके लिए तो हम आंदोलन करेंगे। अरे संपत्ति और सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों को होगा कब? क्या वो आत्मघाती करते रहेंगे? क्या वो ऐसी जलील होके जिंदगी जीते रहेंगे जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए सरकार की राहत में जीना पड़ता है? ये मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए कि जो बात वो कर रहे हैं वो बात लोगों के दिल को लग रही है। राहुल गांधी का मैनिफेस्टो पॉपुलर हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो स्वरूप देख रहा हूं मैं भाषण का, मुझे लगता है कि लोगों ने उनको निर्विवाद अपना नेता चुन लिया है। मोदी जी ने तो अपना कार्यक्रम अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए ना, किशोर तिवारी जी उपलब्धियां गिना चाहिए, अपना कार्यक्रम देना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये सलाह किसने दी होगी मोदी जी को कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में इतनी बात करें? क्योंकि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, चलिए ठीक है, लोगों ने पढ़ा, सब कुछ किया, 1 करोड़ से ज्यादा बार तो डाउनलोड हुआ है, कोई 1 करोड़ 20 के 25 लाख बार तो डाउनलोड हुआ है कांग्रेस का मैनिफेस्टो मोदी जी के कहने के बाद। और कांग्रेस के लोग खुद बोलते हैं कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नरेंद्र मोदी है, तो मोदी जी को एडवाइस कौन कर रहा है सर? नहीं, मोदी जी कभी ही भी राजनेताओं का एडवाइस लेते नहीं, वो ब्यूरोक्रेट का लेते। लेकिन ना, उनके स्पीच का जो इंग्लिश वर्जन उस दिन आया था, उन्होंने राजस्थान में बोला और जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है वहां बोला, जहां उनका उम्मीदवार फंसा हुआ है वहां बोला। आपने घुसपैठियां बोला, बाद में ज्यादा बच्चे करने वाले बोला,
आखिरी में रहा नहीं गया तो मुसलमान बोला। उनके जो छह सेंटेंस आए वो छह सेंटेंस ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थे, ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे नहीं थे, क्योंकि उनका उन्होंने पहली बार 14 में जो सीएजी के थ्रू लिया था, प्रशांत किशोर जिसको जिन्होंने पैसे लिए थे, सीएजी के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे मैं भी था, तो वहाँ पर मैंने पहला भाषण था उनका दाबाड़ी में और आखिरी भाषण था चंद्रशेखर के बलिया में। वो सब पे मॉनिटरिंग होता था, वो जोश में आके कुछ भी गलत बोलते थे तो उसका करेक्शन उनको तुरंत देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, मोदी जी किसको सुनते नहीं, मोदी जी के सामने कोई बोलने को जाता नहीं, मोदी जी रात को बहुत लेट नाइट पहुँचते हैं, मोदी जी रात को रट लेते हैं, सुबह बोलना चालू करते हैं, और विवेक जो है, अगर आदमी का सत्ता के अहंकार से विवेक मर जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन सब दरार तो बन गई ना, मतलब मेरा ये कहना है ये सब बोलने के बाद लोगों में दरार तो पड़ गई ना, मतलब अब ये कहना कि आपका सारा जो पैसा है सारा मुसलमानों को दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको लगता है क्या हिंदुओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो हिंदू मुसलमान इन सब चीजों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब भारत में इन सब मुद्दों से ज्यादा रोजगार, महंगाई, किसानों की राहत, और ऊपर से यहाँ की संस्कृति ऐसी थोड़ी है, ये सनातन संस्कृति सनातन है, यानी पहले भी थी और भी रहेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुसलमानों ने बहुत संयम रखा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो लोग प्रोवोकेट होते ही नहीं। राम मंदिर का इशू आया फिर ये सब कार्यक्रम आए, कोई ख्याल नहीं दिया उन्होंने। वो लोग अपनी आर्थिक विपन्नताओं से जूझ रहे हैं, और कहाँ तुम ले ना हिंदू मुसलमान वगैरह, ये चीजें पार्टियां जिंदा करने को होती, पर पार्टियां सत्ता चलाने के लिए ये मुद्दे थोड़ी चलते। आपको सस्टेनेबल मॉडल देना पड़ेगा जिससे डेवलपमेंट होनी चाहिए और परमानेंट डेवलप होनी चाहिए। ऐसी वेल्थ सेंट्रलाइजेशन या डेवलपमेंट का सेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं होता ना। अभी वियतनाम है जिसका डोमिनेंस है कंबोडिया लाओस पे, आप देखो ना वहाँ पर उन्होंने भी अपना मॉडल लेके आए, अब चल रहा है ना। थाईलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया में कई देश है। अभी आप देखो रेडिकल्स की बात करते तो दुबई लो, यूएई लो या अबू धाबी लो, इनका सबका देखने लायक हो गया, और सऊदी अरेबिया तो कहाँ के कहाँ निकल गया। ये लोग समय के साथ लिबरल हो रहे हैं ना, समय के साथ लिबरल। राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, आपके घटक दल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बात कर रहे हैं सर, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ना, ये राष्ट्र सुरक्षा को इफेक्ट नहीं करेंगे? जब मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल, जितने चीनी चाइनीज के एनिमीज को हम लोग सप्लाई करें ब्रह्मोस मिसाइल, और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट अगर आप बात करते हो तो इज इट नॉट इफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी? आर वी नॉट वीकनिंग, टॉकिंग ऑफ वीकनिंग नेशनल सिक्योरिटी, क्या लोग जनरल इलेक्शन में इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तिवारी साहब? देखो ये इशू नहीं बनता, इशू नहीं बनता, नरसंहार ये इशू नहीं बनता। पर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ये जो चीज है, ये चीज कोई देश अडॉप्ट नहीं करेगा, अपने पास रखेगा, ऐसा थोड़ी है। अटल जी ने किया था तो मोदी, उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल आए तो उसकी कोई प्रोग्रेस रुकी क्या? नहीं रुकी। ब्रह्मोस तो ये इनका थोड़ी है, कितने दिन से उस पर काम हो रहा है तुमको मालूम नहीं? हर देश के पास अपनी अपनी अपना अपना स्टाइल होता है। भारत में अब बड़े बड़े अपने पड़ोसियों से संबंध जितने खराब करना था, जिसमें नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, मालदीव भी आ गया, तो मोदी जी को जितना डैमेज करना था वो कर गए। अब बहुत नई सरकारों को नए से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और पड़ोसियों से दुश्मनी कर और उसका भय बताकर सत्ता चलाने का जो फंडा है ना, इंडिया चाइनिंग के वक्त ही उन्होंने कर लिया था, युद्ध करा लिया था, और वो कारगिल युद्ध फेल हो गया था, लेकिन पिछले वक्त वो पुलवामा वगैरह कराया था, बालाकोट कराया था,
उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव आया था, तो मोदी और थर्ड फेज में अगर पूरा नर्वस हो जाए तो ऐसा कुछ कर ना पाए बाबा, क्योंकि इनका कुछ नहीं बता सकती ये बहुत। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है? अभी अगर थर्ड फेज की जो रिपोर्ट है अगर ठीक नहीं आई तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं देखो, ये लोग निर्दयी है, ये लोग जेल में रखे, वो अनिल देशमुख 14 महीने, अभी वो केजरीवाल और सब लोगों को जेल में रखा है, हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा है। अगर ये इनका कन्विक्शन होता कि करप्शन हम दूर कर ले, तो फिर इतने करप्ट लोग उनके पास आए तो उनको क्यों नहीं जेल में रखा? इसका मतलब ये इंटेंशनल था, ये सिलेक्टिव था, लोगों के दिमाग में चले गया। अब कोई करप्ट भी होगा तो भी अब वो बेचारे को बड़ा स्पेस मिल गई ना कि ये वॉशिंग मशीन में हम गए नहीं इसलिए हमको ये किया। राइट तो आपके मुताबिक सर, जहां तक के बीजेपी का सवाल है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, मुश्किल नहीं नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहेगा कि जो इनको 30 से 40 सीटें कम करने को जा रहा, वही बिहार है, वही उत्तर प्रदेश है। 100 सीटें अगर यही कमी हो जाती है और कर्नाटका और राजस्थान थोड़ी सी अपने तरफ से मट्टी डाल देता है तो मुझे लगता है मोदी जी को एक संन्यास लेने के लिए अच्छा समय है। और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे ड्रामास्टिक बिहेवियर में बातें करते थे और एक अच्छे एक्टर थे। और लेकिन है ना, कलेक्टिव लीडरशिप में लैक कर गए, इसलिए वो फिट गए, ये बोलने के लिए अच्छा है। विश्व शक्ति और विश्व गुरु है, तो विश्व शक्ति और विश्व गुरु को हमें विदाई देना है तो अच्छे से देना पड़ेगा राजू, अच्छे से देना पड़ेगा विदाई। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड टुमारो यू आर इन परभनी। ओके, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। नमस्कार सर। मिस्टर किशोर तिवारी, द वन मैन हु हैज डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स, ही हैज नेवर वेवर्ड। He was in the BJP earlier. If you remember, the BJP had formed a committee. He was very much part of that committee. You were in touch with him right from in Mumbai times. Right, and from 1999. You were probably the only person who was talking about farmers' issues, taking about Kisan Atmahatya. Yeah, problem. Koi baat hi nahi karte. Ab samasya kya hai, Pradeep ji ki? Aaj bhi wahi issues hai. Yes, yes. Exactly. मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 25 साल के बाद भी वही समस्या है. Exactly वही चीज अभी भी चल रही है. मतलब ये क्या होगा, कब होगा, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन एनीवे, लेट्स आस्क मिस्टर अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत ही आक्रामक प्रवक्ता हैं। लेट्स आस्क हिम। अभिषेक मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। जय सियाराम सर, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभिषेक मिश्रा जी, यूट्यूब के ऊपर तो बड़ी, मतलब पता नहीं क्या क्या आ रहा है कि भाई पहले दो चरण में तो बीजेपी का सफाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये सब बातें चल रही हैं। और दूसरी चीज, मुबारकबाद हो, मतलब आपको शुभकामनाएं, हमको भी शुभकामनाएं, हमारे बड़े अच्छे मित्र उज्जवल निकम साहब मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, उनका कैंडिडेटर अभी अभी अनाउंस हो गया है। आई थिंक ही विल मेक अ वंडरफुल एमपी, ही इज अ वंडरफुल मैन रियली एंड ट्रूली, एंड वी हैव बीन विद हिम राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही टुक अप द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस, ऑफकोर्स एट दैट टाइम इट वॉज बॉम्बे, ही इज बीन अ ग्रेट फ्रेंड। जी अभिषेक मिश्रा जी, क्या पहले दो चरण में भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर है क्या सर, बताएं। देखिए, आप जो यूट्यूबर्स की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल दो फैक्ट बता जी, बताएं सर। जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था 2022 का जी, यूट्यूबर्स ने जितने भी हैं, ये टॉप आपके 4PM, दीपक शर्मा, रवीश कुमार, ये उल्टा चश्मा, जितने भी हैं, ये अभिषार शर्मा, ये सारों ने, और अशोक वानखड़े, ये सब ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है, सेकेंड थर्ड फेज तक ही बन गई है यूपी के चुनाव के समय। और मैं हंसता था, इनको फॉलो करता था और देखता था ये क्या तमाशा बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं।
और लास्ट में आपको पता है 250 सीट्स के साथ भाजपा की सरकार बन गई। सिमिलरली अभी जो मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में जी, सारे यूट्यूबर्स ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी कि अशोक गहलोत की सरकार बन गई, चिरंजीवी योजना के कारण मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बन गए, छत्तीसगढ़ में तो कोई टक्कर ही नहीं है बघेल को, तीनों जगह भाजपा आ गई। यूट्यूबर्स जो है एक ऑल्टरनेटिव दुनिया में जीते हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पुख्ता खबर, हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारे पत्रकारों से बातचीत कह रही है भाजपा हार रही है, तो निश्चित है कि भाजपा बहुमत से जीत रही है। जो यूएन पाखंडी यूट्यूबर जो पैसा खाके झूठ बोलते हैं, अगर ये जो बोलते हैं उसका उल्टा होगा जी। और उज्ज्वल निकम जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उज्ज्वल निकम जी ने महाराष्ट्र और देश दोनों की सेवा की है, करिए सर, नो डाउट। उन्होंने सत्य की विजय करा, जो हमारा नारा है भारत का सत्यमेव जयते, उस सत्यमेव जयते को सत्य बनाने का सदैव प्रयास किया है उज्ज्वल निकम। तो वो व्यक्ति भारत के संसद में बैठने के लिए सबसे योग्य अगर व्यक्तियों में से एक है उज्ज्वल निकम जी महाराज जी। उनको जो टिकट मिला है ये सत्य की विजय है, और ये एक न्याय योद्धा, मैं उज्ज्वल निकम जी को कहूंगा न्याय योद्धा, अ वॉरियर फॉर जस्टिस, तो न्याय योद्धा को सम्मान दिया गया है। आई होप पूनम जी विल बी अकोमोडेटेड समवेयर एल्स, पूनम महाजन जी। पूनम जी देखो, उनके पिताजी भाजपा बनाने में योगदान खड़ा कर, पूनम जी भाजपा परिवार की अभिन्न अंग है, तो केवल सांसद का टिकट ही भाजपा पार्टी में जो है आप भाजपा आपको सम्मान दे रही है ऐसा नहीं होता। भाजपा कई प्रकार से आपको जिम्मेदारी देगी, उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी। आई होप सो। प्रदीप जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाथ बदलेगा हालात, राहुल गांधी जी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, 5 pillars ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी, बोले कि 5 न्याय जिस प्रकार से किसान हो, महिला हो, श्रमिक न्याय, नो लुक एट देम। इवन प्रियंका गांधी हम पूछ रहे कि डोंट, हमको सनातन धर्म के बारे में ठीक है आप पूछिए, बट हमको ये भी पूछे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिजर्वेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी ऐसे एक स्लोगन है बिकॉज 10 साल के बाद इंप्लीमेंट करें, वी विल इंप्लीमेंट इट इमीडिएटली, वी आर गोइंग टू फिल 30 lakh जॉब्स। यू नो अभिषेक मिश्रा जी, दे हैव कंटेंट, उनके उनका बिलीफ है कि उनके मैनिफेस्टो में वजन है, एंड उस मैनिफेस्टो की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी डरा हुआ है, ही इज स्कैर्ड बिकॉज द मैनिफेस्टो हैज कंटेंट फॉर द पीपल। हाउ डू यू सी इट अभिषेक मिश्रा जी? यस, गुड क्वेश्चन, आई गिव अ लॉजिकल आंसर। लास्ट इलेक्शन 2019, राहुल गांधी इफ यू रिमेंबर हैड प्रॉमिस्ड दैट ही विल गिव 72,000 रुपीस टू एवरी यंग मैन, रिमेंबर, न्याय न्याय ही वाज गोइंग टू गिव लास्ट इलेक्शन, नोबडी ट्रस्टेड। सो सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ ट्रस्टेड मैन, it's like in the financial world also Pradeep ji, if a trusted man whom you trust tells you about some financial scheme to invest, you will invest, but when a proven falsifier, a proven delinquent man who has no seriousness, no gravity, who comes up with vague theories, answers, he will tell you, Pradeep ji, I have come up with a new idea, just invest your money here, I'll give you 20 times return. You will say, I don't want 20 times return, I'm getting my 2 times return from somewhere else. It's a trusted thing. I respect that. Similarly, BJP's promises and assurances are trusted by the people. Now, Rahul Gandhi is offering very vague and very imaginary things. So, there's no trust in that. That is the main issue. Nobody will trust Rahul Gandhi. No, but also, I still can't understand. I mean, each time I've asked any Congress spokesperson or leader, कि भाई आप अगर महिलाओं को 18 साल की जो महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, आप उनको अगर 1 lakh rupees साल का देने वाले हैं तो दैट वर्क्स आउट टू अ ह्यूमंगस फिगर, वो कैलकुलेटर में आता नहीं है सर, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका अभी तक कोई जवाब मिल नहीं रहा मुझे। नोबडी इज विलिंग टू आंसर वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम। You have been in Mumbai your entire life, Rajiv Bajaj. No, I'm not. I came to Mumbai in 93, sir. Before that, I was in Delhi. No, I'm saying for a large period of time. No, huge, huge one. I love Mumbai. I would never live anywhere else. You are aware yes. that people who... Now, the question, I'm answering your question. You are aware that the people who run Ponzi schemes... Yes. They really never know how they're going to give back a return. No, they don't. Their only purpose is to take your money and do a crime. So Rahul Gandhi, as you asked me that where he'll get the amount, he is a Ponzi scheme man. He knows he can never do anything in reality. So right now he wants to just loot the votes of people.
So in this Ponzi scheme of Rahul Gandhi, he is currently promising anything, despite not even knowing from where he'll get the amount, what is the actual logistics, etc. So please don't take his word seriously. It's a Ponzi scheme, and I pray that people of India see through this Ponzi scheme, because anybody who has invested in the Ponzi scheme till today, they have lost money. So please don't invest your vote in Rahul Gandhi's false assurances and schemes. Always be with Bharatiya Janata Party, the trusted partner of the growth of the Indian people. No, but bhai, apprenticeship ki pehli naukri pakki hai. We are giving a guarantee ke ek saal ke liye aapki naukri pakki hai. As soon as you know get some degree, either a diploma or a degree, and so on and so forth. So that promises quite a lot. But there are no financials to back it up. That's a bit of a problem. And number two, they say that they will reintroduce the old pension scheme and do away with the Agniveer or Agnipath scheme and bring back the old recruitment scheme for the Indian Armed Forces. Abhishek Mishraji. Yeah, so you already have seen their apprenticeship, their scheme for apprenticeship. That in Karnataka, their Congress councillor's daughter, who should have got a job in Karnataka, was killed, murdered due to love jihad. So, Congress apprenticeship scheme sounds very funny and vague to me. They are a party who, after independence, has never bothered about jobs. No Prime Minister of Congress ever bothered about jobs or employment. So, Rahul Gandhi, in his Ponzi scheme to lure young voters, he is giving assurances from where you think practically. This 1 lakh scheme of, you know, breaking people intern and becoming an apprentice in a company. You think that already when the job market is low, when people require jobs, okay, and BJP government is focused on that people should get jobs. From where Rahul Gandhi will get his extra vacancies for apprenticeship? So, when job is required, he will provide internship. From where will that be accommodated? Already people have to be accommodated in jobs. India demand jobs. So I would say the BJP assurance of giving jobs is more valid than Rahul Gandhi's assurance of giving internship and apprenticeship. I am Abhishek ji, you know, they accuse Prime Minister Modi of misinterpreting the Congress manifesto. आप allegations लगा रहे हो तुष्टीकरण के. आप कह रहे हो कि Congress का X-ray machine है. आप उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का गलत अर्थ निकाल रहे हो. उन्होंने कहा कि फ्रॉम द रिच टू द पोअर, मगर आप कह रहे हैं कि हर घर में एक्सरे मशीन जाएगा, मंगल सूत्र और स्त्री धन को उठा के बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे. तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैनिफेस्टो एंड यू नो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ तुष्टीकरण. मनमोहन सिंह जी के भी स्पीच का गलत अर्थ निकाल रहे हो. तो यू आर मिस इंटरप्रिटिंग द एंटायर मैनिफेस्टो. अभिषेक मिश्रा जी, नहीं, मनमोहन सिंह जी का दूसरा वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने वही बात रिपीट की थी कि मुस्लिम्स का पहला हक है. कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण करती है, ये पूरा विश्व जानता है. उससे छुप के क्या लाभ है? यही पार्टी जो है खुलेआम मुस्लिम वोट मांगती थी, इसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे मुस्लिम वोट चाहिए. तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी का इतिहास मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, इसको कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए. इसमें कोई छुपी बात, सोनिया गांधी तो एक ऐसा बिल लाने वाला चाहना चाहती थी जिसमें हिंदू को जेल डाल दिया जाए, भले दंगे कोई भी करे. अभी आचार संहिता है, मैं ज्यादा रिलीजियस बात नहीं करना चाहता, मैं रिलीजियस लाइंस में बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो कांग्रेस से थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था मुस्लिम का, एक नहीं दो वीडियो में कहा, दूसरा वीडियो भी भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है. तो कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे. कांग्रेस पार्टी अहमद पटेल चलाते थे, बात सत्य है, जो सत्य स्वीकार करो. और अहमद पटेल जी नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र भी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी. दे वेरी गुड फ्रेंड्स बोथ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अहमद पटेल. लेकिन सर ये बताएं कि मंगल सूत्र वगैरह की अभी बात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मतलब मेरी समझ में, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, जरा आप सुन लें एक सेकंड के लिए, मोदी साहब के बाद क्या नहीं है बोलने के लिए? सर आर्टिकल 370 रिपील किया, आर्टिकल 35 ए रिपील हुआ, एब्रोगेट हुआ. मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे लिए इतना ही काफी है, अब माई वोट गो स्ट्रेट टू मोदी. मैं तो बिल्कुल पब्लिकली बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ, भले जो मर्जी जितना मर्जी बोल दे,
जिस आदमी ने आर्टिकल 370 रिपील कर लिया, मतलब लेफ्ट राइट कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है साहब, नंबर एक। नंबर दो, सर राम मंदिर बन गया, भले आप उसको रिलीजियस कहें ना कहें, मैं तो बोल सकता हूं, आप नहीं बोल सकते। तीसरी चीज, वर्बल ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। चौथी चीज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। पांचवी चीज, यूनिवर्सल क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अभी काम चल रहा है, मेरा ये कहना है। और उसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या हुआ है वो तो सबको मालूम है। वी आर टुडे द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बाय ऑगस्ट सितंबर वी विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी वुड हैव ओवरटेकन जापान। माय पॉइंट इज, व्हाई कांट वी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन। यहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मंगल सूत्र वगैरह वगैरह कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई सर? और स्त्री धर्म सर, ये बताएं। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए मोदी जी अनुभवी नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, वो भारत के इतिहास के भी अच्छे जानकार हैं। और इतिहास में आज से 300 वर्ष 400 वर्ष पूर्व क्या हुआ सबको पता है। मैं अभी देखिए आचार संहिता की कोई मर्यादा है जी, कि संदर्भ में मंगलसूत्र और मुस्लिम हिंदू भूला गया एक इतने बड़े विश्व नेता के द्वारा इतिहास को याद रखते हुए, मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता। समझदार को इशारा काफी है, मोदी जी इशारा दे चुके हैं। भारत का इतिहास ही, आप जो सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब भारत के इतिहास में मौजूद है, जो आचार संहिता के दौरान मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप समझदार हो तो समझ सकते हो भारत के इतिहास में क्या क्या किया गया। यू नो अभिषेक मिश्रा जी, राहुल गांधी इज हाईलाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट वन बाय वन एग्जांपल। उन्होंने एग्जांपल दिया, लेकिन मैं रेलवे स्टेशन में गया, वहां मुझे एक सिविल इंजीनियर पोर्टर मिला, कुली जो सिविल इंजीनियर था। मैंने उनको पूछा, बोला कि मैं लाखों रुपया खर्चा किया हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंजीनियर बनने के लिए, आज मैं नौकरी नहीं मिला, मैं पोर्टर बन गया, कुली बन गया हूं। राहुल गांधी इज एक्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ क्रिएटिंग बैरियर्स बिटवीन जॉब मार्केट एंड द इंडियन यूथ। तो इज इट ट्रू, ही इज गिवन अ क्लासिक एग्जांपल, ये सच्चाई है क्या? ये पूरे देश का सच्चाई है? हाउ डू यू सी इट मिश्रा जी? देखिए राहुल गांधी दिस टाइम आई एम वंस अगेन रिपीटिंग इज रनिंग अ पॉन्जी स्कीम। हिज स्कीम इज लाइंग टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्राइंग टू समहाउ लेयर देम इनटू वोटिंग फॉर हिम, एंड ही नोज आफ्टर दैट ही विल नॉट डिलीवर टू देम। सो व्हेन यू रन अ पॉन्जी स्कीम, प्रदीप जी यू मस्ट नो, यू हैव टू गिव फॉल्स एग्जांपल्स। जो भी पॉन्जी स्कीम चलाता है वो हमेशा बोलता है, पता है हमारा एक दोस्त था, उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 1 लाख कमा के मैंने दे दिया। एवरी पॉन्जी स्कीम ओनर gives false examples to create trust. So this Ponzi scheme of Rahul Gandhi for this election, he is giving these false examples ki ek engineer tha, wo coolie ban gaya, so that somehow Pradeep ji will trust in him. Pradeep ji, I request you, don't trust the Ponzi scheme. Mishra ji, you know, Abhishek Mishra ji, Bajaj sahab yahan baithe, he has you know destroyed around 70 to 80 against the Ponzi companies. Kareeb 90 directors ko jail mein bhej diya Bajaj sahab ne. We have been crucial against these kind of Ponzi schemes that cheat the poor investors. Continues, it has been a campaign continuously. It was probably his campaign that threw away these chit fund companies out of the market. The CIS, collective investment schemes of SEBI, the law came after that. Other one was Kirit Somaiya of the BJP. Who is very quiet these days. Which is rather sad. I like Kirit bhai. Kirit bhai is a very, very dear old friend, but at the moment I think he's in the background. He deserves better, very frankly speaking. I don't think Mr. Abhishek Mishra would like to comment on that. But all the same, all I'm saying is that the BJP has enough. Aur teesri cheez kya hai? Just a little tweak. Kyunki abhi kya hai ki aaj ki tarikh mein sir, Marathwada mein, Western Maharashtra mein aur Khandesh mein, teenon jagah pe bahut zabardast pani ka crisis chal raha hai. बहुत जबरदस्त। आई एग्री मिस्टर एकनाथ शिंदे, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, नॉट सो मच अजीत दादा पवार, आई डोंट नो व्हाई, बट एटलीस्ट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू सॉल्व इट, बट दे आर ऑल्सो बाउंड बिकॉज दे हैव सर्टन लिमिटेशंस। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब तक के आपका पुराना क्रॉप पैटर्न वापस नहीं आएगा, जब तक के वहां पे स्पेशली मराठवाड़ा में आप शुगर केन उगाना बंद नहीं करेंगे, वाटर टेबल ऊपर नहीं आएगा। सर आपको लगता नहीं कि उस पर भी हमारा फोकस रहना चाहिए? सिर्फ चुनाव हो रहे हैं इसलिए ध्यान
ध्यान जो है वहां से हट जाए और फिर अच्छी मानसून आएगी, एक बार फिर जो है किसान बड़ा खुश हो जाएगा, इस बार क्रॉप अच्छी आ जाएगी, अगेन नेक्स्ट ईयर ही विल फेस द सेम प्रॉब्लम। अभिषेक मिश्रा जी आप बताएं प्लीज। See, what the issue you raise is very serious, and I have always said on such issues, expert committees, जी, comprising of people having expertise in the various issues related to that problem. Yes. So they are the ones who should give their views and solutions to the government. Okay. So I, as a spokesperson, must never comment on sensitive issues. See, this water issue, irrigation issue, in Marathwada, etc., a sensitive issue. It affects lakhs of people's lives directly. So this is not a political statement. I cannot give a political statement. I assure you that expert committees will look into this, and on based on their solutions, government will provide solution to the people. I hope it happens, and I hope it happens very, very soon. Just like I believe. We can work together. We can work together to ensure this happens. That you're most welcome, because the next time after the election, next time we go to Marathwada, please come with us. I'll come with you. We'll show you what exactly is happening there and what we are doing over there. But one thing which is very good, which has happened, by the way, this is for our viewers. Vasai Virar ne jo water shortage thi aur water tanker mafia ka jo अभी तक आतंक था उसमें काफी कमी आई है। द गवर्नमेंट हैज टेकन इट वेरी वेरी सीरियसली एंड वेरी शॉर्टली आई थिंक इन अनदर 6 months और 7 months इन ऑल लाइवलीहुड एवरीबडी इज गोइंग टू गेट पाइप वाटर। आई नो दिस इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू सी इट विल हैपन। आई वाज इन विरार 2 days बैक जी, एंड आई गेव अ टीवी इंटरव्यू टू अ नेशनल चैनल इश्यूज ऑफ विरार एंड पालघर एटसेट्रा जी। आई वाज इन विरार वेस्ट एंड वी डिड अ इंटरव्यू एंड एस्पेशली द वन इवन द पालघर साधु कांड। I said the Uddhav Thackeray's government went because of the shrap of the Palghar Sadhu Kand. Ji. So that was a very important statement I made in Virar. Lekin I know the water issue is very, very close to your heart because you're from there only, and you. What is your issue? What is your view on the current investigation into the Sadhu Kand, Palghar Hatya Kand? What is your view? Sir, my view is that it has to be investigated properly. It has to be really and truly investigated whether these chaps were mistaken for child kidnappers and the people went and killed them, or what really happened. Mr. Anil Deshmukh, of course, says that the whosoever was responsible, they were arrested. Almost 126 people were arrested within 2 days. And then after that, maybe Mr. Uddhav Thackeray should have shown more sensitivity, including, of course, as I keep saying. In fact, the other day when I met him, I told him the same thing, ke jab Navneet Rana ji aapke ghar ke samne हनुमान चालीसा का पाठ करने आई थी, अगर आपके पिताजी होते तो वो अपने उनको आमंत्रित करके अपने घर के अंदर लेके जाते और ये बोलते वी विल रीड द हनुमान चालीसा टुगेदर। आपने तो उनके खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया। मतलब हनुमान चालीसा के ऊपर सेडिशन का केस अगर लगाओगे तो यार कैसे सरकार बचेगी? The police was informed, already aware that there was going to be some issue with this, and I was always informed of that there was some missionary activities or conversion going on, and these sadhus were opposing that, and because of that, which is also true, sir. Which is also true. I don't want to get into that because that area, if you are familiar with that area, you would know that this kind of activity has been going on, especially with regard to conversion, has been going on there for the last 25 years. 25 साल से वहाँ पे चल रहा है. And you will find choti choti chapels wahan pe alag alag bahut bani hain. By the way, at some point of time we will carry a full story on that after the elections. So it is but what about the people who were in charge of the police department? What is your view on their negligence? What is your view? Sir, negligence to hui hai, usme to koi do raaye nahi hai, kyunki pehle warning aa gayi thi, 2 din pehle hi aa gaya tha. Yes, warning to aayi thi aur saath mein patrol car bhi jo thi jo wahan par aane wali thi वो वहां से आगे से निकल गई और फिर वो तीन बेचारे जो पुलिस वाले थे, दे कुडंट डू अ थिंग। जब मॉब आ गया वहां पे सामने, लोगों ने कहा कि बच्चे पकड़ने वाले आ गए, तो पुलिस नेगलिजेंस तो हुई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब दिस थिंग वुड नॉट हैव हैपेंड इफ देयर हैड बीन नो पुलिस। ओके, व्हाट वी विल डू इज वन डे वी विल डू अ शो ओनली ऑन दिस। यस, मी एंड यू एंड प्रदीप जी, बट आफ्टर द इलेक्शन, ऑल द फैसेट्स, बट आफ्टर द इलेक्शन सर। ये आपका इलेक्शन है, नॉट राइट नाउ, बिकॉज़ आई एम वेरी फ्रैंक विद यू. I've been a journalist for a long time.
if I had been say 20 years younger or 25 years younger, I would have gone along with you and we would have done something, even if it's a sensitive subject. Arre jo hota hai, hone do, danga hota hai, hone do, but not anymore. I have also matured and I have also cooled down a little bit. के यार, yeah, after elections, के गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी मेरे मुताबिक, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज ये मंगल सूत्र और जिनके ज्यादा बच्चे हैं और घुसपैठिए, आई मीन मिस्टर मोदी इज डन इनफ, लेट्स बी वेरी क्लियर, द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स दैट मिस्टर मोदी इज हैड इन द लास्ट 10 years, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर एनी अदर प्राइम मिनिस्टर विद हिम. So I don't know, I wonder who's advising him, but then I am not standing for election. I have never stood for election. So I don't know. I cannot give you a detailed answer, but I'll give you one line. Please go ahead. Your viewers and you to understand. Please. Modi ji, last year when he was giving the speech from the Lal Killa on Independence Day, Red Fort, he said ki my vision is for the next 1,000 years. And one who has a vision for the next 1,000 years also remembers what has happened in the past 1,000 years. And hence he has to guide his whole people for the future. So hence he has to give some messages which are not connected to elections only. What you are asking is ki elections he is winning, what is required to say is some things. But Prime Minister being a visionary, he has to guide our nation's destiny towards the future. So he has to keep reminding people of what has happened in the past and what may happen by policies of Congress party. So I cannot give you too detailed answer due to model code of conduct, but I want you to remember, he's hinting 1,000 years in the future and telling you to remember 1,000 years in the past. You know, Sharad Pawar ji compared Prime Minister Modi to Vladimir Putin. He said, after 2024, if Prime Minister Modi jeetta hai, toh ek dictatorship aa jayega. What Mr. Putin has done in Russia, Prime Minister Modi will do it here in India. And that will be end of democracy. Loktantra khatre mein. Before that, even Sonia Gandhi said, conspiracy to destroy the constitution, the conspiracy to destroy the pillars of democracy. Modi saab, in his eager to glorify his image, is destroying the pillars of democracy. So how do you see the comments of Sonia Gandhi ji and Sharad Pawar ji? Kya Loktantra khatre mein hai, Abhishek Kishore? Loktantra. Make a clip of this separately and run this. Mallikarjun Kharge is giving a ill-informed, foolish and irresponsible statement when he is speaking about President Putin and Prime Minister Modi, because I'll give you three reasons. One, whenever President Putin would come to India, when already BJP government was in power, a separate Congress delegation led by Sonia Gandhi would go and meet him always. And when the UPA government was in power and President Putin was still ruling at that time in Russia, there was a very cordial relation between Sonia Gandhi, Manmohan Singh, all the Congress elites and the President of Russia. So Mallikarjun Kharge should first ask Sonia Gandhi, ki Sonia ji, why you kept very strong relations with President Putin when we were in power in UPA rule, and why even after that, whenever President Putin comes to India, you go and separately meet him. So first Mallikarjun Kharge should take order from his boss Sonia Gandhi and then speak. He is making an ill-informed, irresponsible and foolish statement. And second, so what happens now, sir? Can you give us a first example? No, let me come. Please go ahead. In foreign relations, Russia is our friendly country. Russia has supported us in the past. President Putin is the legitimate leader of the Russian people, voted by the Russian people. By saying the statements, why is Mr. Kharge spoiling the foreign relations between India and Russia? By criticizing the leader of that country, you are basically saying that country is on the wrong path. You want to spoil the relations? And third point, does Mr. Kharge is making a legal statement that Mr. Putin is a dictator because Mr. Putin has won by election votes? So all three ways, by foreign relations, by the relations of Sonia Gandhi and Congress with Mr. Putin, and third, Mr. Putin being a leader elected by votes and Kharge foolishly calling him a dictator just for some, I don't know what. So he's showing irresponsibility towards foreign relations, foolishness towards not knowing the legal procedures in Russia, and third, and ill-informed about his Sonia Gandhi madam in good relations with Putin of Sonia Gandhi. So Mr. Kharge, foolish, irresponsible, ill-informed statement. Right, thank you so much, sir. And can you give us a number? How many seats do you expect the BJP will win? I'm not talking about the NDA alliance, I'm talking about the BJP. See, as a spokesperson, I have to obey and follow what our leader said
and that is my only number. I cannot give one number more, one number less. Which is? Modi ji said, these are 70 par, these 70 plus. I also have to repeat because for us, Modi ji's words are commands. We have to make it true. So I will not say 390 plus, I will not say 350 plus. I will say what Modi ji said, 350, 370 plus. Maasha. Thank you so much, sir. Jai Shri Ram. God bless you. Jai Shri Ram. Jai Bhavani. Please send my clip to Khadge so that he can ask Sonia Gandhi ki madam aapka Putin se acha rishta hai mujhe bataya kyun nahi. Please send my clip to Mallikarjun Khadge ji. Your statement on Mallikarjun Khadge and your statement on the Ponzi scheme, it will be a real pleasure to send it to Mr. Khadge. Thank you very much, sir. No, thank you. Pradam, pradam. Well, so this BJP is of course very confident they're winning, and they've been very, very confident right from day one. You know what, what he said, what Abhishek Mishra was talking about, what he said with regard to all the anti-Modi, anti-BJP universe, which is talking about how the BJP is losing. Yes, yes. I heard exactly the same thing during the state assembly elections. तब भी ये लग रहा था कि भाई राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, तेलंगाना में आ रही है. तेलंगाना को छोड़ के बाकी हर जगह हार गए. तो आई होप द सेम थिंग डजंट हैपन दिस टाइम. लेट्स आस्क डॉक्टर सीमा मलिक ऑफ द शरद चंद्र पवार एनसीपी. डॉक्टर सीमा मलिक जी नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्ते. हाउ आर यू मैम? हाउ आर यू? फाइन थैंक यू. So, do you think the results this time, ma'am, will be somewhat different from what they were in the assembly elections, where all of us expected, all of us, including me, we expected the Congress to win. Lekin Congress teen straight har gayi. To aapko lagta hai ki is baar situation alag hogi, ma'am? So, what are you expecting this time? This I must know, then I can answer. So, are you expecting the India Alliance to do better this time, ma'am? Of course, they will do. There's no doubt in this. पहले चरण दूसरे चरण में पता चल ही चुका है सर. Everybody knows this and that. बहुत different results आएंगे. What जो भी आप लोग सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से BJP का success ही सोच रहे होते हैं आप लोग हमेशा. तो दूसरे नतीजे आएंगे, आप देखिएगा. अभी शायद उनको भी ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो इतने बौखलाए हुए हैं तरह तरह के. तो इसीलिए मंगल सूत्र और हिंदू वर्सेस मुस्लिम शुरू हो गया है. जी बिल्कुल. तो शायद ये तो हमें भी समझ में आता है और आपको भी समझ में आता है और शायद देश की पूरी जनता को समझ में आता है. सो नतीजे तो अलग आएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें. एंड इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, देखिएगा आप. डॉक्टर सीमा मलिक, हैव यू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? जो भी राहुल गांधी जी ने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज एसेंशियल, 1% ऑफ द पर्सन ऑफ पॉपुलेशन इज होल्डिंग अराउंड 40% ऑफ द एंटायर वेल्थ. राहुल गांधी, हिज इंटेंशंस वर वेरी क्लियर. हिज इंटेंशन वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिच टू द पुअर. मगर मोदी साहब जो हर भाषण में बोल रहे कि कांग्रेस का एक्सरे मशीन, कांग्रेस का एक्सरे मशीन हर घर में जाएगा और हर घर से मंगलसूत्र और स्त्रीधन उस पर भी वो यू नो कब्जा करेंगे और आपका स्त्रीधन और मंगलसूत्र भी उनके पास भेजेंगे जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं ना, अलग अलग प्रकार के. जो तो आई हैव यू फेल टू रियली कन्विंस द पीपल व्हाट यू मेंट बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? डॉक्टर सीमा मलिक, वी हैव नॉट एट ऑल फेल्ड टू कन्विंस और समथिंग. इट इज द यू नो वही बौखलाए हुए लोग हैं जो एक नैरेटिव बना रहे हैं ऐसा. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जहां तक बात है, सीधी सी बात है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग सम यू नो सम स्ट्रेटजीज, कोई आर्थिक नीति उसके लिए बननी चाहिए जो भी है, क्योंकि बिकॉज दे आर द पीपल हु आर इग्नोरिंग दिस फैक्ट. अब इतनी अनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थिंक एक महीने पहले आई थी और काफी उसकी चर्चा है. एंड एवरीबडी नोज दैट द 1%, मैं तो बहुत शुरू से ही कहती आई हूँ ये बात कि 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है इस कंट्री की और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है. तो ये कहना कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम ये यूके से हैं जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, अभी आप बोल रहे कि हम विकसित होंगे 2047 में, तो ये सब चीज़ें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और किसी को भी समझ में आती हैं. और जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक आर्थिक नीति बनाने की एक ज़रूरत है इस देश में कि कैसे जो ये गैप है उसको ख़त्म किया जाए.
तो उसके बारे में नहीं बात करना चाहते लोग, पता नहीं कैसे कैसे लोग आके बोलते हैं कि हम इकोनॉमिस्ट हैं, हम तो चैनल्स पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं, पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं जिनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि देश में ये हो रहा है, उनके अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, लोगों ने सजेशंस भी दिए हैं अभी, काफ़ी लोगों को मैंने सुना भी है, मे बी समटाइम्स ऑन द यूट्यूब एंड समटाइम्स ऑन दिस। रघुनाथ राजन जी का भी अभी कुछ इंटरव्यू आया था, आई वाज वॉचिंग, एंड कभी अभी बीच बीच में जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके हस्बैंड प्रभाकर जी जो है नाम उनका परफूल प्रभाकर करके वैसे, तो दैट ऑल्सो मैंने कल रात को ही सुना उनका। तो ये तो देखिए जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सभी ये बात कह रहे हैं कि देर इज अ यू नो देर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, एंड उसको करने के लिए उनको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, और जो कि लोगों ने सजेस्ट भी करी हैं काफ़ी चीज़ें लाइक द यू नो द बजट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड व्हिच इज गोइंग डाउन एवरी ईयर। या कुछ बढ़ा ही नहीं उसको, उन्होंने बोला हम बढ़ाएंगे, कुछ उन्होंने करा ही नहीं, और कितनी चीजें हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर तो कोई आंकड़े ही नहीं आ रहे आजकल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कहां आंकड़े आ रहे हैं। पर वो लोग तो है ना, वो लोग तो है ना, ज्यादा लोग हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप, यू आर इग्नोरिंग दिस पीपल टोटल। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, एक बार बात करके देखिए आप घर में, कभी आपके घर में जो लोग काम भी करने आते हैं, आपकी मेज आती होगी, कभी आप उनसे बात करके देखिए और उनका देखिए कि कैसे दे आर द, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है समटाइम्स आई सी दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर यू नो फैमिली। जो फीमेल्स आती हैं हम लोग के घरों में काम करने हैं, इतनी ठंड में बेचारी सुबह सुबह आती हैं जब हम लोग रजाई से शायद बाहर भी नहीं निकल सकते, दे आर वर्किंग सो हार्ड, एंड घर जाती हैं, हस्बैंड से लड़ाई होती है, एंड मैं हमेशा पार्टी में कहती हूँ इन चीज़ों में कभी मत पढ़ो लाइक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा एंड ऑल, बिकॉज वी नो नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो आके बड़ी उससे बोलती हैं कि क्या करें, मतलब हस्बैंड मारता है बिकॉज ही इज़ अनएम्प्लॉयड, अकाउंटेंट था किसी कंपनी में, अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग टू देम यू नो, कई बार काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ टॉकिंग टू देम, आपको बड़ी चीज़ें पता चलती हैं जो कैमरे पर नहीं बोलती हैं आके। तो वो बोलते हैं कि भाई अकाउंटेंट था कहीं निकाल दिया गया, उसके पास जॉब नहीं है, दे लव ईच अदर बट दे फाइट एवरी डे बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, मुश्किलें हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो ये भी तो कोई भारत है ना सर, इस भारत के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, उनको तो लगता है जैसे हम लोगों जैसे लोग हैं शायद, है ना, शायद वी आर लीस्ट बॉर्डर्ड के कितने रुपए की दाल हो गई है। यहाँ पर एक और चीज है मैडम, पर वो भी तो लोग हैं ना, डॉक्टर सीमा मलिक, एक और चीज है कि जो इम्पोर्ट बिल है भारत का ऑयल को छोड़ के, अगर ऑयल को आप साइड में रख दें दो मिनट के लिए, ये भी कहा जाता है जो कंज्यूमर हाई एंड लग्जरी आइटम्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स, दे कॉन्स्टिट्यूट मोर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया विच आर नॉट रियली नेसेसरी सो टू स्पीक, वो लिविंग के लिए नेसेसरी नहीं है, जैसे परफ्यूम्स हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, बाकी सब चीज़ें हो गई, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, नाउ वी आर गेटिंग द बेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स इन best designer suits and ties and everything everything and of course all the best cars in the world and so on and so forth. Now that is also adding to our import bill. Don't you think perhaps we should take a second look at this as to which way the country is heading? I'm talking in general terms. Dr. Malik. तो देखिए एक अलग क्लास है who are using all these things, but वही है कि जो एक real India है ना उसको, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते। उनको आप 5 किलो राशन दे रहे हो और कितने उनके भी मुश्किलें, दे ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग के लिए ये सब चीज़ें इजी हैं और शायद हम पता नहीं आई डोंट नो जो आप जिस यहाँ पर तकलीफ ये है मैम डॉक्टर सीमा मलिक, तकलीफ यहाँ पर एक है, जब मैं ये बात पूछता हूँ तो कोई किसी के साथ जवाब नहीं मिलता है। 5 किलो राशन ठीक है लेकिन वो पकाएगा किस पे, तेल महंगा है, नमक महंगा है, सब कुछ महंगा है, चूल्हा नहीं मिल रहा है, और चूल्हा अगर है तो गैस का सिलेंडर नहीं है, मतलब पकाएंगे किस पे? वो बात तो है ही है ना, वो तो बात है ही है, इतने अंडर नरिश्ड लोग हैं, कई बार उनको देख के लगता है, एंड यू वुड नो यू आर अ डॉक्टर, ऐसी जगहों पर जी बिल्कुल हम लोग को दिखते नहीं है वो लोग, पर वो तो है ही है, कितना सब कुछ है, समटाइम्स वी गो टू हैंडलूम में फास्ट। सो दिस एंटायर स्टोरी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी एक पिक्चर बनाई जा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, विश्व ताकत बन गई है, ये सिर्फ महज स्टोरी है, कहने का मतलब हुआ ऐसा कोई, मतलब मुझे तो शुरू से ही मैं कहती हूँ मुझे तो इस विश्व गुरु का मतलब समझ नहीं आता है। जब अगर कुछ भी होता है, जब आपकी वीक में फ्रंट पेज पे फोटो करती है, छपती है, देन द फॉरेन मीडिया इज वेरी गुड,
Otherwise, you are always criticizing the foreign media. Should not speak about this thing. You are not giving an interviews to anybody. तो ये कैसे ये विश्व गुरु हैं, मुझे समझ नहीं आता, जिनके इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं होती है. तो मैं विश्व गुरु ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं सर, इनका कुछ औचित्य नहीं है. और जिस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, अब देखिए कभी आप लोग एंड इवन द मीडिया ऑल्सो सेज कि हाँ उन्होंने सैम पिट्रोडा के पीछे पड़ गए, अब उन्होंने बोल दिया अबाउट दिस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में. पर जब उन्होंने जयंत सिन्हा ने बोला तब कोई मीडिया ने उसकी बात नहीं करी. इवन द उनके बड़े आईटी सेल के मालविया जी हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रबिश, अगर वो सपोर्ट करते हैं जब एंट्रेंस दिस इनहेरिटेंस टैक्स को, तो कोई बात नहीं है. एंड आई थिंक डिफरेंट स्टेजेस पे जेटली जी ने भी बात करी है, सीतारमन जी ने भी बात करी है उसके बारे में. तो तब आप बात नहीं करते उसकी, तब उन्होंने एक बार कह दिया. एंड अगर आप राजीव आप इसकी बात नहीं करते कि राजीव गांधी जी ने 1985 में दैट स्टेट ड्यूटी टैक्स को ख़त्म किया था, तब आप बात नहीं करते. देन आप कहते कि वो बिकॉज उनकी माँ की, मतलब दिस इज समथिंग वेरी मीन टेलिंग कि वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी उनको नहीं मिल जाए इसलिए उन्होंने कहा. मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है मंगलसूत्र की बातें करते हैं. सर पैसा इन्हीं ने निकाला है लोगों से. नोटबंदी में मैंने देखा है जो बेचारी मतलब गरीब लोग हैं जो एक इकट्ठा करके पैसा रखती हैं कि शायद बेटी घर में आएगी तो उसको एक बाली बनवा देंगे या उसको एक साड़ी दे देंगे किसी तीज त्यौहार पे, उन लोगों के पैसे निकाले इन्होंने सर डब्बों से. ये हम लोगों को बातें करते हैं तभी इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती भी हैं शायद कि हम मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे. हम लोग बाइट सुना रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे बाइट सुना रहे हैं मनमोहन सिंह जी की वादी काट काट के. इसमें उन्होंने और लोगों की बात भी तो करी है सर. ही टॉक्ड अबाउट एससी एसटी, अबाउट द ओबीसीज, अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अगर उनको उन्हें बढ़ाने की बात कर दी तो ऐसा क्या पाप कर दिया कि उसके भरोसे आप बता रहे हैं कि वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, आपका सोना ले लेंगे. इतने साल रहे हैं वो लोग, उन्होंने किसी का सोना लिया? इन्होंने लिया ना सर. जो अमीर लोग थे उन्होंने तो सब अपना पैसा चेंज करा लिया जाता, ब्लैक से वाइट हो गया. जो गरीब भी मारे गए ना बेचारे, जो इकट्ठे करके रखते थे थोड़े थोड़े पैसे, तो क्या था वो स्त्री धनी था ना, सोचते थे कभी कुछ मुश्किल आएगी परिवार पे तो खर्चा करेंगे. उनके पैसे निकलवा लिए इन्होंने, बड़ा अच्छा काम किया, लाइन में लगा दिया लोगों को. डॉक्टर सीमा मलिक, दूसरा आरोप आप पर है कि दे एक्यूज यू द इंडिया अलायंस मैनिफेस्टो हैज अ स्टैंप ऑफ द मुस्लिम लीग, हैज अ स्टैंप ऑफ द मुस्लिम लीग. नाउ रिसेंटली शरद पवार साहब ने आपके मैनिफेस्टो जो जिस प्रकार से इन्होंने अनाउंस कर दिया था, उस मैनिफेस्टो में ही टॉक्ड अबाउट चेंजेस इन द सीएए, ही टॉक्ड अबाउट चेंजेस इन द एनआरसी, he talked about changes in the UAPA, he talked about statehood for Kashmir. Now this is what Pawar Saab said, and he also talked about LPG at 500 rupees, petrol, diesel, restructuring, scrapping of Agnipath. They're all very essential things for the common man. But aapka hai, then you know, CA lagta hai honi chahiye, is it a good scheme you think? CA ho gaye, NRC ho gaye, jo hamari schemes hai kyun nahi review karna chahiye humko? क्यों नहीं करना चाहिए सर? क्यों नहीं हमें 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहिए? क्यों नहीं हमें अग्निपथ बंद करना चाहिए? कौन सी चीज़ हमारे मैनिफेस्टो में खराब है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है. इनका तो आदत है, देखिए सब कभी ये डिस्कशन में कभी बिलीव ही नहीं करते, दे नेवर कंसेंसस में बिलीव नहीं करते लोगों के. हम दे तो जब 370 भी आया था हमने विरोध नहीं किया, बट इसे कि हाँ एक अचानक एक चीज़ छोड़ देना भाई, लाइक वी बिलीव इन डिस्कशन एंड कंसेंसस. और इनको तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चाहिए ही नहीं किसी भी चीज़ पे. अचानक देल का मैन देल से कि नहीं ये कर लो, तो अगर कोई भी लॉ है उसको रिव्यू करने में क्या, इसमें क्या ऐसी बात हमने कह दी? आपका CA, you know, you want to dilute the CA, you want changes in the CAA, you want changes in the NRC, you want UAPA, उसको जरा रिपील कीजिए. तो ये एक एक चीज है आपका. CPM says that, you know, nuclear disarmament होना चाहिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा इज वीकेंड. मैं बिल्कुल अपना हाथ झाड़ती हूँ इससे. कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे नाम पे मत लगाइए ना सर. जो हमारा है वो देखिए ना आप, हमारा मैनिफेस्टो. आई थिंक एवरीबॉडी हैज सीन. लेकिन आज आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है भाई हम लोगों ने इतना माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम किया है, हर एक कोई खुशहाल है, हर कोई मोदी जी को बहुत प्यार करता है, पूरे विश्व में मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड. और उसके बाद आकर के फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, मतलब मंगलसूत्र पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए, ये क्या हुआ? प्रभात साहब का अभी कल ही आया इंटरव्यू, कुछ आया कैशटी में मैंने पढ़ा था जी. तो उन्होंने लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन, बट द पर्सन हु इज सिटिंग देयर इज टॉकिंग, यू नो,
एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट दिस. तो कहाँ तक मेन इशूज से बिल्कुल वो लोगों को भटकाना चाहते हैं, कुछ भी शुरू हो जाते हैं. तो मतलब क्या काम, अगर कुछ काम करा होता तो ये सब कहने की जरूरत थी? They have seen, पहले चरण से उनको लग गया कि नहीं, लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए they are talking about all these things. So, अब पता नहीं क्या रहा. तो आपको क्या लग रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी कहां पर आकर के रुकेगी? ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं. 180 से ज्यादा नहीं सर, 180. फिर तो मतलब क्या होगा इनका, फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी. फिर तो कुछ का आश्रम में जाना पड़ेगा, पढ़ने से ना मुश्किल, भागना भागना पड़ेगा इधर से उधर. मतलब 180 में रुक गई है क्योंकि कांग्रेस लोग सर बोर हो गए हैं. दे आर यू नो टायर्ड ऑफ ऑल दिस. इसको कहते हैं ना मोदी फटीक वर्ड यूज कर रहे थे, मैं किसी का इंटरव्यू कल सुन रही थी, तो मुझे बड़ा पसंद आया कि लोग थक गए इनसे सर, कि बातें सुन सुन के थक चुके हैं लोग. एवरी टाइम उनके अपने वर्कर्स नहीं निकल रहे घरों से वोट देने के लिए, जिस तरह से ऐसा तो हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं है. सेकंड फेज में भी मतलब कोई बिहार में 5 सीटें थी. 10 बार बोलते हैं, जवाब मांगते हैं, अपने भाषण में कोई जवाब नहीं देता, कोई मोदी मोदी नहीं करता वहाँ आजकल. देखा होगा आपने पहले भी जी, द वे यू दे यूज्ड टू डू मोदी मोदी, आजकल वो खत्म हो गया सब. तो मतलब जो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. द स्लोगन इज टोटली पूरा गूंज उसका पूरा देश में है कि राम को मोदी जी ने लाया. राम जो सूर्य तिलक हुआ 500 साल के बाद रामनवमी के दिन, वो मोदी जी के वजह से हो गया. मोदी जी का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ है जो पूरे गठबंधन है, इंडिया अलायंस के गठबंधन. अनेक उदाहरण थे कि नोबडी वेंट टू इवन विजिट दी राम मंदिर. आई थिंक राम प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी माइट बी गोइंग दिस वीक टू सी अयोध्या राम मंदिर. तो इज दिस टैगलाइन गोइंग टू यू नो चेंज द एंटायर सिनेरियो वेयर थिंग्स आर कंसर्न्ड? इज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इज इट गोइंग टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट? डॉक्टर मलिक, जीरो इफेक्ट होगा सर इसका, मैं आपको बता दूं. कौन मतलब ये टैगलाइन है या पता नहीं, इतना अहंकार है किसी आदमी का अगर वो ये कह सकता है कि वो राम को लाया है. मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो, या तो राम को कौन ला सकता है सर? अब बार बार हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, उनसे पूछ के तो हम अयोध्या जाएंगे नहीं सर. जब हमारा मन होगा जाएंगे, जब लेकिन डॉक्टर सीमा गांधी राहुल गांधी का मन होगा वो जाएंगे. इनसे बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक वो तो कह रहे हैं कि वो तो मोदी जी तो विष्णु के अवतार है, ऐसा करके बोल रहे हैं. ऐसा कुछ भी बोल रहे ना सर, इसीलिए तो कह रहे हैं. मतलब कहना नहीं चाहिए, पता नहीं चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ने कहने को तो बहुत मन करता है, क्या बोलो. अब बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, ये यू हैव एन ओपन फोरम हियर, कोई कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए. मुझे पता है सर, इसीलिए हम लोग आते हैं, पर कहना ठीक नहीं है आज. क्योंकि ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता नहीं, 2 या 3 प्रवक्ता आ चुके हैं हमारे शो में. उन्होंने कहा कि मोदी जी कितने 11वें के 12वें अवतार हैं, वो 10 11 कहाँ पे गए मुझे मालूम नहीं है. अवतार अभी तो 10 10वां अवतार आना है, मतलब कल की को तो आना है अभी, लेकिन वो 11 12वां पता नहीं कैसे आ गया, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन कहा है उन्होंने यहीं पे, इसी शो में कहा है. शरद पवार साहब सेड दैट Prime Minister Modi is akin to Vladimir Putin of Russia. बोले कि तो dictatorial tendencies of Vladimir Putin, he can see the dictatorial tendencies in Narendra Modi ji. And he says लोकतंत्र and संविधान खतरे में. Means clear cut उन्होंने कहा कि the pillars of the constitution will be shaken if Prime Minister Modi is elected again in 2024. How do you relate? Because Modi साहब कह रहा है कि किसी के बाप संविधान को बदल नहीं सकते. How do you see that, Dr. Malik? सर उनके पार्टी के लोगों ने ही बोला है ना, और पुतिन से अगर उनको कंपेयर करा गया तो वो क्यों इतने ऑफेंडेड फील कर रहे हैं? उनके तो फ्रेंड है वो, तो इतना आप क्यों मतलब उस पर इतना बवाल मचा रहे हैं? अगर किसी ने कह भी दिया तो, और वो ऐसी हरकतें करेंगे, वो उनकी तरह अपोजिशन लीडर्स को सबको जेल में डालेंगे, वहाँ पर लोग पूरे ट्राई करेंगे कि आप लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिले जिनको आप ले भी जा रहे हैं, तो कोई भी कंपेयर करेगा उनको? और इसमें इतना वाइज सो मतलब ह्यूमन क्राई अबाउट दिस कि उनको पुतिन बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, क्या क्या बड़ी बात है सर? जब वो खुद ही इज बिहेविंग इन अ यू नो डिक्टेटर बने हुए हैं, तो कोई भी उनको कंपेयर करेगा ना? ऐसा तो है नहीं कि आपका कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा. और क्या पूछ रहे थे सर आप, कुछ और भी? तो आखिर में जो अभी ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े नेता हैं जो जेल में,
उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या आपको लगता है कि वो जेल में, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए, हेमंत सोरेन साहब हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, ये सब लोग जेल में हैं, मतलब जरा अजीब है। बिहेविंग इन द सेम मैनर सर, जैसे पुतिन ने करा वैसे ही तो वो भी कर रहे हैं, तो अगर कोई कंपैरिजन कर देगा तो इसमें इतना कोई ऐसा तो है नहीं, हमने आपको पता नहीं कुछ कह दिया हो भाई, वो भी एक है ना, मतलब इतनी बड़ी कंट्री के हेड है, धोनी से तो कंपेयर कर रहा है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि इतना। और इसके और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, सूरत में से तो सूरत में तो निर्विरोध चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी के ना सर, क्या हो रहा है कंट्री में देख के ना, व्हाट हैपेंड इन सूरत एंड व्हाट हैपेंड इन चंडीगढ़, ये सब चीजें कौन, मतलब अगर हम कहते हैं कि भी एक ऐसा, हम आज स्लोली वी आर मूविंग, स्लोली मुझे तो लगता है बहुत रैपिडली वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, तो क्या मतलब आज तक लोकसभा की हिस्ट्री में नहीं हुआ, 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अरे सर वही तो कह रहे हैं, एक तो उनका हो गया, अब 400 में से एक तो हो गया ना, जी एक हो गया, एक हो गया, अब 399 की बारी है, 399 की बारी, इसकी बात ही नहीं कर रहे अब तो, चुप हो गए। I'm not there, not talking about right, Dr. Right. Seema Malik, thank you very much. It's been a pleasure talking to you. Really and truly wonderful having you on the show, man. Thank you very much. Look after yourself. Namaskar and all the best to you. Thank you. Thank you so much. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Aaj ke show mein sirf itna hi. Pradeep ji aur meri taraf se aap sab logon ko Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. Subscribe zarur karein bhai channel ko. Channel ko zara subscribe zarur karein. Just follow me, the Irish Brothers come. Please subscribe to the channel. Yes. Comments bhejte rahein. बहुत ज्यादा कमेंट हो गए हैं तो मुझे लग रहा है एक शो करना पड़ेगा प्रदीप जी, सिर्फ कमेंट्स को लेकर के। यस यस, और वो भी शायद पूरा नहीं होगा, दो तीन घंटे मतलब सिर्फ कमेंट्स पढ़ने में ही लग जाएंगे। यस, एंड आई विल बी सो हैप्पी टू डू दैट। और फिलहाल आप सब लोगों को जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।